यस पीपल गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू कैसे सब आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे मैं बता दू मैं भी बहुत अच्छा हूँ तो चलो आज स्टार्ट करते हैं हम revision lecture, और रिविजन लेक्चर में आज हम रिवाइज करने वाले हैं पीजीबीपी और ये टॉपिक से आपको पहला क्वेश्चन मिलता है और आपका फोर्टीन मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है उसमें मैगजिमम पोर्सन जो रहता है वो पीजीबीपी से रहता है अब एक बात समझना इस टॉपिक को रिवाइज करने के लिए आपको दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा पहली चीज तो आप अपने आपको एक बिजनेस समझेंगे ठीक है मीन्स अच्छा बिजनेसमैन समझिए आराम से खर्चे वर्चे करिए और दूसरी चीज आप अपने दिमाग में हमेशा एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेके चलेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेके चलेंगे आप ऐसे समझेंगे कि ये एक प्रॉफिट प्रॉफिट एंड एंड लॉस लॉस अकाउंट अकाउंट होता है है और इस के जो क्रेडिट साइड में है, वो सब इनकम आती है और इनकम कौन कौन सी लेते हैं जो हम सेक्शन ट्वेंटी एट से लेके फोर्टी वन सेक्शन ट्वेंटी एट एंड फोर्टी वन इन दो सेक्शंस पे इनकम के बारे में दे रखा है वो इनकम क्रेडिट साइड में आती है और एक्सपेंडिचर कौन से डेबिट साइड में आते हैं तो एक्सपेंडिचर अलाउ होते हैं जो सेक्शन आपके 30 से लेके और 37 में दे रखे हैं तो जो सेक्शन 30 से 37 में एक्सपेंडिचर दे रखे हैं वो अलाउ होते हैं उसके बाद में लास्ट में जो बचता है उसको मैं नेट प्रॉफिट बोलूंगा और इसी नेट प्रॉफिट को हम बोलते हैं पीजीबीपी का इनकम ये जो नेट प्रॉफिट है इसी नेट प्रॉफिट को हम बोलते हैं पीजीबीपी का इनकम और इस पीजीबीपी की इनकम पे आपको टैक्स भरना

सपोर्ट मिला टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीपीपी अब एक चीज समझना अगर आपका कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी में कोई भी पैसा मिलता है तो मैंने आपको बताया था इंश्योरेंस पॉलिसी का जो भी मैच्योरिटी अमाउंट रहता है दैट इज द टैक्सेबल लेकिन वो किसके हाथ में टैक्सेबल होता है अगर उसमें से जो पैसा मिला कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी से वो अगर एम्प्लॉयर को मिलता है देन इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड बिजनेस पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा अगर एम्प्लॉय को मिलता है तो वो परक्यूज माना जाता है सैलरी हेड में टैक्सेबल होता है बट अगर मान लो एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है जैसे डायरेक्टर वगैरह को पैसा मिलता है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दैट इज आई में टैक्सेबल होता है तो देखिए कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी से जो भी पैसा मिलेगा वो टैक्सेबल होगा एम्प्लॉयर को मिला बिजनेस हेड में जाएगा एम्प्लॉय को मिला सैलरी हेड में जाएगा और अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है और अगर मिला तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा अब एक और चीज समझना अगर आपको बिजनेस एंड प्रोफेशन की वजह से कोई भी गिफ्ट मिलता है परक्यूजिट मिलता है बेनिफिट मिलता है मींस बिजनेस एंड प्रोफेशन की वजह से आपको कोई भी गिफ्ट परक्यूजिट बेनिफिट मिलता है दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीबी अब एक और चीज समझना अगर कोई पार्टनर होता है ना पार्टनर partner को पार्टनरशिप फर्म से कुछ भी मिलता है सैलरी मिला बोनस मिला कमीशन मिला इन शॉर्ट आई कैन से पार्टनरशिप से आपका कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट था और बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट का कोई मॉडिफिकेशन हो जाता है या टर्मिनेशन हो जाता है और उसकी वजह से आपको कोई कंपनसेशन मिलता है वो भी आपके पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा मैंने क्या बोला बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट था और बिजनेस का अगर कोई रेवेन्यू नेचर का था उसका कोई टर्मिने

स्पे्युलेटिव बिजनेस इज अ डिफरेंट बिजनेस उसको आपको डिफरेंटली ट्रीट करना है अब आप मुझे पूछेंगे ये स्पेकुलेटिव बिजनेस क्या होता है देखो स्पेकुलेटिव बिजनेस ऐसा बिजनेस होता है जिसमें एक्चुअल डिलीवरी नहीं होती है जहां पे ट्रांजेक्शन सेटल होते हैं वो अदर देन एक्चुअल डिलीवरी होते हैं इन सिंपल वर्ड मैं बता वादे वादे के जो वादे के बिजनेस बिजनेस जो होते हैं उसको स्पेलेटिव बिजनेस बोलते हैं जैसे मैंने आपको बोला कि मैं आपको टेन के गोल्ड बेच लूंगा अगले महीने अब आपको भी पता है आप खरीदने वाले नहीं हो मैं मुझे भी पता है मैं बेचने वाला नहीं हूं और वन मंथ के बाद में जो भी रेट का डिफरेंस होगा उसका हम सेटलमेंट कर लेंगे दैट इज कॉल स्पेक्यूलेटिव बिजनेस अब एक चीज समझना क्वेश्चन आपका यह आएगा कि सर स्पेक्यूटिव बिजनेस और नॉर्मल बिजनेस को अलग अलग क्यों रखना है क्योंकि स्पे्युलेटिव बिजनेस के जो लॉस होते हैं ना वो सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस के गेन से ही सेटअप होते हैं

ट्रांजैक्शन नहीं माने जाएंगे अब क्वेश्चन ये आता है कि सर पीजीबीपी का इनकम कैसे निकालता है तो सेक्शन 29 ये बोलती है कि पीजीबीपी का इनकम निकालने के लिए कुछ नहीं आप एक काम करिए सेक्शन 30 से लेके 43 डी को फॉलो करिए

राइट आंसर बेनिफिशियल ओनर चल जाएगा आप किसी भी असेट के बेनफिशियल ओनर हो आप डेप्रिशिएशन ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं जैसे हायर परचे में आप ओनर बनते हो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करते हो तब क्या डेप्रिशिए इंस्टॉलमेंट के बाद लेंगे आंसर इज नो डेप्रिशिए आप पहले से ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है अब एक और चीज समझना लीज के केस में क्या होता है क्वेश्चन ही आता है लीज के केस में कौन लेगा आपने शायद अकाउंट्स में ऐसा पढ़ा होगा कि ऑपरेटिंग लीज के केस के के में लेसर लेता है फाइनेंसिंग लीज के केस लेस ही लेता है बट बत मैं बता दूं अकाउंट को भूलो जब भूल जाओ यहां पे यहां पे इनकम टैक्स में हमेशा ध्यान रखना है, है वो हमेशा लेसर लेता है भले वो ऑपरेटिंग लीज है या फाइनेंसिंग लीज है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जो है वो डेप्रीशिए हमेशा कौन लेता है लेसर है वो लेसर को डेप्रीशियन अलाउ होता है अब एक और चीज समझना असट आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज होनी चाहिए सर यूज का मतलब क्या

गुडविल भले वो बिजनेस का है या प्रोफेशन का है उस पर डेप्रिशिएशन नहीं मिलेगा वो तुम्हारे इंटेंजिबल अटेट में नहीं आएगा तो गुडविल ऑफ बिजनेस या प्रोफेशन उस पर डेप्रिशिएशन नहीं मिलता है तो उसको उन्होंने इंटेंजिबल अट से हटाया गया है उस पर डेप्रिशिए नहीं मिलता अब क्वेश्चन ये आता है की रेट क्या होती है तो ध्यान रखना है की रेट जो मैं आपको बताने वाला हूं यहां पे वो आपके डब्ल्यूडीवी वाली रेट है बिकॉज आपके सिलेबस में डब्ल्यूडीवी वाली रेट है अब पहला क्वेश्चन ये भी आता है कि सर हमको कौन सी मेथड फॉलो करनी पड़ती है डब्ल्यूडीवी मेथड फॉलो करनी पड़ती है एस एल एम मेथड फॉलो करनी पड़ती है मैं बता दू एक एस एस सी ऐसा है जिसके पास में ये ऑप्शन है कि वो डब्ल्यूडीवी या एस दोनों में से जो उसको अच्छा लगे जो उसकी मर्जी है वो फॉलो कर सकता है कौन पता है पावर जनरेटिंग या पावर जनरेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग यूनिट अगर कोई पावर जनरेट करता है या पावर जनरेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग यूनिट है उसके पास में ऑप्शन है कि वो एस या डब्लू डीवी फॉलो कर सकता है बट बाकी जितने भी एस एस है उनके लिए कौन सी मैथड फॉलो करनी पड़ेगी डब्ल्यूडीवी मेथड है वो डब्ल्यू डीवी मेथड ही फॉलो करनी पड़ेगी अब क्वेश्चन पे आता है कि सर डब्लू डीवी में रेट ऑफ डेप्रिशिए क्या रहती है तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिल्डिंग की बिल्डिंग के केस में देखो रेसिडेंशियल बिल्डिंग होती है उसमें फाइव परसेंट की रेट से डेप्रिशिए मिलता है अदर बिल्डिंग के रेट लेकिन जो फर्नीचर तो होता है उस पर टेन परसेंट की रेट से इनटेंजिबल अट की रेट से डेप्रिशिए मिलता है एंड मशीनरी में ध्यान रखना एंड मशीनरी में मोटर व्हीकल जो नॉर्मली आपके बिजनेस में मोटर व्हीकल यूज होते जैसे मान लो मेरे बिजनेस में, में कार यूज करता हूं दैट इज कॉल्ड मोटर व्हीकल उस फिफ्टीन परसेंट की रेट से डेप्रीशिए मिलेगा लेकिन अगर मेरा हायरिंग बिजनेस है जैसे नीता की ट्रेवल्स की जो बसें होती है या फिर जो ट्रक वगैरह होते हैं जो हाइरिंग बिजनेस में यूज होते हैं उस पर थर्टी परसेंट डेप्रीशिएशन मिलेगा

देखो मोटर व्हीकल के केस में नॉर्मली 15 परसेंट हायरिंग बिजनेस के लिए यूज होता है तो 30 परसेंट लेकिन अगर आपने वो मोटर व्हीकल एक्वायर्ड एंड पुट टू तो यूज किया 23 अगस्त 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 के बीच में तो उस केस में 15 की जगह आपका 30 हो जाएगा और 30 की जगह यहां पे 45 हो जाएगा अब एक चीज समझना जो मैंने आपको सेक्शन वन फाइव पढ़ाई थी फर्स्ट टॉपिक में बीएसी में ऐसा लिखा हुआ था कि मैक्सिमम डेप्रिएशन आप फोर्टी ले सकते हैं तो अगर आपको एस एस सी वो वन वन लेता है और वो अगर ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में और उसने इस पर्टिकुलर ईयर में मोटर व्हीकल खरीदा है तो उस पर फोर्टी ही मिलेगा फोर्टी फाइव नहीं मिलेगा उसके बाद में जो शिप है वो शिप पानी में चलती है उस पर भी फोर्टी परसेंट की रेट से डेप्रिशिए मिलेगा और भी पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट होते हैं उस पर भी फोर्टी परसेंट रेट से डेप्रिशिए मिलेगा अब एक और चीज़ समझता जो विंडमिल्स होती है विंडमिल्स अगर वन फोर टू से पहले इंस्टॉल हुई थी तो उसके बाद में इंस्टॉल हुई तो उसके परसेंट की रेट से आपको मिल जाएगा

पावर जनरेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग यूनिट तो पावर वाली यूनिट होती है जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनियां होती है उनके पास में ऑप्शन होता है एसएलएम और डब्ल्यूडीवी का तो अगर वो एसएलएम मेथड फॉलो करते हैं तो उनको इंडिविजुअल असेट सिस्टम फॉलो करना पड़ता है इंडिविजुअल सिस्टम क्या होता है सेम जैसा आपने अकाउंट में सीखा हुआ है कि हर एक असेट का अलग अलग हिसाब रखते हैं हर एक असेट के लिए अलग अलग हिसाब रखते हैं अलग अलग कैलकुलेशन करते हैं उसका प्रॉफिट एंड लॉस अलग अलग निकालते हैं दैट इज कॉल योर इंडिविजुअल असेट सिस्टम लेकिन अगर आप डब्लू सिस्टम फॉलो करते हैं और मैं बता दू इनकम टैक्स में नाइनटी नाइन असेसी ऐसे होते हैं जिनको डब्ल्यू सिस्टम फॉलो करना पड़ता है तो जब आप डब्ल्यू सिस्टम फॉलो करते हो तो आपको

यहां मनी रिसीवेबल का मतलब होता है करके ठीक है मनी पेबल जिसको नॉर्मली बोलते हैं लॉ में मनी पेबल बोला हुआ है बट आप मनी रिसीवेबल भी लिख सकते हैं मनी रिसीवेबल का मतलब होता है कि जब भी आप किसी असेट को बेचते हैं जब भी आपने किसी किसीट को सेल किया डिस्कार्ड किया स्क्रैप वैल्यू वगैरह जितना पैसा आया वो आप लेस कर दीजिए एज वेल एज अगर मान लो इस साल आपने कोई अंडरटेकिंग स्लम सेल में बेच दी थी तो स्लम सेल में जो बेची थी तो स्लम सेल में आपको पता है अपन नेटवर्थ कैलकुलेशन के लिए डब्लू निकालते हैं उस अंडरटेकिंग का तो नेटवर्थ कैलकुलेशन के लिए जो डब्ल्यू निकाली थी वो डब्ल्यू भी आप ब्लॉक में से लेस कर दीजिए अगर जैसे हो सकता है आपके पास चार यूनिट थी चार यूनिट में से आपने एक यूनिट बेच दी तो उसकी जो असेट है उसकी डब्ल्यूडीवी आप ब्लॉक से लेस कर दीजिए उसके बाद में जो भी बचेगा ना उस पे आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा उसको बोला जाता है डब्ल्यूडीवी फॉर डेप्रिसिएशन तो देखिए डब्ल्यूडीवी फॉर डेप्रिसिएशन हम कैसे निकालते हैं सबसे पहले आप एक काम करिए ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ ब्लॉक लीजिए उसमें आप एड करिए एक्चुअल कॉस्ट ऑफ अट एक्वायर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर उसमें क्या एड करना है पुट टू यूज वन एटी डेज या मोर वाला या फिर पुट टू यूज लेस देन वन एटी डेज तीसरा क्या लेना है एक्वायर्ड बट नॉट पुट टू यूज उसमें से जो भी आपका मनी पेबल है वो मनी पेबल को आप लेस कर दीजिए एज वेल एज जो स्लम सेल में ट्रांसफर कर दी थी अंडरटेकिंग उसकी जो डब्ल्यू डी वो लेस कर दीजिए बाकी जो बचेगा दिस इज कॉल योर डब्ल्यू डीवी फॉर डेप्रिशिए अब एक चीज समझना ये डब्ल्यू डीवी फॉर डेष होगा ना इस पर आपको डेप्रिशिएशन मिलेगा अब ये डब्ल्यू डीवी फॉर को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं एक तो अगर कोई अटेट है वो आपने पुट टू यूज किया ही नहीं तो उस पर डेप्रिशिएशन आपको मिलेगा

अगर आपने फोर्थ अक्टूबर या उसके बाद में पुट टू यूज किया तो आपको हाफ रेट से डेप्रीशियन मिलेगा लेकिन मिलेगा तो डेट आप दिमाग में डाल के बाद मिलेगा और थर्ड अक्टूबर या उससे पहले पुट टू यूज किया तो आपको फुल रेट से डेप्रीशिए मिलेगा अब यहां पर एक और चीज समझना कि भैया यहां पर मैंने आपको क्या बोला जिस ईयर में पुट टू यूज लेस देन एटी डेज है तो उस केस में आपको

नहीं है उसके बाद में सर अगर मान लो हम ब्लॉक की असेट सेल कर देते हैं तो क्या उसमें कैपिटल गेन होगा या नहीं तो देखो समझने की कोशिश करना है बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्शन आती है सेक्शन फिफ्टी सेक्शन 50 ये बोलती है कि अगर कोई ब्लॉक में असेट है और ब्लॉक की असेट को आप बेच देते हैं तो कैपिटल गेन कब आएगा तो कैपिटल गेन दो केस में आ सकता है सबसे पहले तो अगर आपका ब्लॉक ऑफ असेट है ब्लॉक में जितनी असेट थी ना वो सब आप बेच देते हो

सर ये टू लेख एटी थाउजेंड का जो लॉस हुआ इसको क्या बोलेंगे इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस बोलेंगे और ये आपके कहां पे जाएगा कैपिटल गेन हेड में जाएगा दूसरा अगर मान लो आपने सेवन असेट बेचा बट सेवन असेट आपने नाइन लैख थर्टी थाउजेंड में बेचा टी तो थाउजेंड में बेचा तो आप ब्लॉक में से कितना लेस कर सकते हैं मैक्सिमम एट लैक ,00 ही कर सकते हैं है, तो इस ,00 और इसको आप कैपिटल गेन हेड में ले जाएंगे तो मैं सिंपल वर्ड में आपको यह बता दू कि ब्लॉक में जितनी असेट है अगर आप सब असेट ट्रांसफर कर देते हैं मीन ऑल असेट अगर आप ट्रांसफर कर देते हैं तो उस में आपको क्या होगा या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा अगर आपका सेलिंग प्राइस ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लस परचेस से ज्यादा है तो यहां पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा और अगर आपका सेलिंग प्राइस ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लस परचेस से कम है तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा यहां कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा अब एक और चीज समझना अगर आप कोई पार्ट ब्लॉक ट्रांसफर करते हैं पार्ट ब्लॉक का मतलब होता है कि कुछ एसेट आप अगर ट्रांसफर करते हैं तो क्या कैपिटल गेन हो सकता है क्या एक केस में हो सकता है आपने अगर पार्ट ब्लॉक मीस कुछ असेट ट्रांसफर की लेकिन उसका सेलिंग प्राइस है वो ओपनिंग ओपनिंग प्लस प्लस से ज्यादा हो जाए means आपके ब्लॉक में जो है उससे ज्यादा अगर आपका सेलिंग प्राइस होता है तो उस केस में जितना भी एक्सेस है वो तुम्हारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो माना जाएगा जैसे यहां पर आप देखिए आपके ब्लॉक में ओपनिंग डब्ल्यू डीबी सिक्स था आपके पास फाइव असेट थी आपने टू अट और खरीदी टू लैक में टोटल एट लैक हुआ और टोटल सेवन असेट हो गई अब आपने क्या किया सेवन में से फोर सेट बेची बट फोर असेट जो सेलिंग प्राइस है वो नाइन

नहीं मिलता यहां प्यार जिंदगी में वैसे एडिशनल डेप्रीसिए हर किसी को नहीं मिलता एडिशनल डेप्रिशिएशन चार लोगों को मिलता है किसको या तो अगर कोई एसएससी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है या पावर जनरेटिंग बिजनेस में है या पावर ट्रांसमिशन बिजनेस में है या पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में है. तो मैंने क्या बोला चार लोगों को मिलता है या तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पावर जनरेटिंग बिजनेस पावर ट्रांसमिशन बिजनेस पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस वाले हैं उन्हीं को एडिशनल मिलता है एडिशनल डेप्रीशियन क्या हर सेट पे मिलता है आंसर इज ना बाबा ना सिर्फ प्लांटेड मशीनरी पे मिलता है और एक और चीज ध्यान रखना प्लांटेड मशीनरी में भी जो सेकंड हैंड प्लांटेड मशीनरी है उस उसपे नहीं मिलेगा जो ऑफिस में यूज होती है उस पर नहीं मिलेगा जो रेसिडेंशियल अकोमोडेशन में यूज होती है उस पर नहीं, नहीं मिलेगा जिस पर आप परसेंट कहीं डिडक्शन ले लेते हो उस उसपे नहीं मिलेगा एज वेल एज द आपके लाइक शिप एयरक्राफ्ट और जो व्हीकल्स होते हैं उस उसपे नहीं मिलेगा तो मैंने क्या बोला सेकंड हैंड प्लांटेड मशीनरी में नहीं मिलेगा ऑफिस में यूज होती है अकोमोडेशन में यूज होती है उस पर नहीं मिलेगा जिसपे आप हंड्रेड परसेंट डिडक्शन कहीं ना कहीं ले लेते हो उस पे नहीं मिलेगा और जो शिप एयरक्राफ्ट या व्हीकल्स होते हैं उस पर आपको एडिशनल डिप्रिशिएशन नहीं मिलेगा अब एक और चीज समझना एडिशनल डेप्रिशिए कितना मिलता है तो मैं बता दू एडिशनल डेप्रीशिए आपको ट्वेंटी परसेंट मिलता है ट्वेंटी परसेंट किसका एक्चुअल कॉस्ट का तो जितना भी आपका एक्चुअल कॉस्ट है उसका ट्वेंटी परसेंट आपको एडिशनल डेप्रीशिए मिल जाता है

ब्लॉक में जब आप बोल रहे हो एक्चुअल कॉस्ट कॉस्ट ऐड तो एक्चुअल क्या ले ऑब्वियसली आप प्राइस लेने वाले हैं बट परचेज प्राइस में ध्यान रखना अगर कोई इंस्टॉलेशन का खर्चा है उसको आप ऐड करेंगे उसके साथ साथ में आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो ऐड करेंगे जो ट्रायल रन या टेस्ट रन का खर्चा होता है उसको अपन ऐड करेंगे सर एक बात बताइए हमने कोई वगैरह पे किया है जैसे आपने कोई जीएसटी वगैरह पे किया है तो क्या वो ऐड होगा देखो अगर जीएसटी का आपको क्रेडिट नहीं मिलता तो उसको ऐड होगा एक ऐसा क्वेश्चन भी मैंने कराया था जिसमें आपने मोटर व्हीकल खरीदा था और मोटर व्हीकल में आपको जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलता तो उसको अपन क्या करेंगे एक्चुअल कॉस्ट में जीएसटी को एड कर देंगे अब एक और चीज समझना कोई भी असेट आपने खरीदी और उस पर लोन लेके खरीदा है तो उसका क्या इंटरेस्ट भी एड होता है क्या देखो पुट टू यूज तक की डेट का जितना भी इंटरेस्ट है वो कैपिटलाइज होगा अगर ठीक है पुट टू यूज तक का जितना भी इंटरेस्ट है वो कैपिटलाइज होगा और पुट टू यूज के बाद का इंटरेस्ट है वो सीधा पी एंडल के डेबिट में डाल दीजिए अब गवर्नमेंट से अगर

बताऊं नील लेना है क्योंकि 100% परसेंट डिडक्शन आपने लेबोरेटरी में ले लिया होगा तो अब आप उसकी एक्चुअल कॉस्ट को क्या ले ले नील लेंगे ठीक है दूसरा अगर कोई स्टॉक इन ट्रेड है और वो स्टॉक इन ट्रेड को आपने कैपिटल में कन्वर्ट किया तो जब आप स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल अट में कन्वर्ट करते हो तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू पहले बिजनेस में टैक्सेबल हो जाती है और वही कैपिटल अगर मान लो आप बिजनेस में यूज कर रहे हो और वो वो कैपिटल है तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या लेंगे वो FMV लेंगे मिस जो FMV पे आपने पीजीबीपी में टैक्स भरा है जो बिजनेस की इनकम बनी है वही एफ आपकी एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी और उसको ब्लॉक में जोड़ देंगे ऐसा एक्सप्लेनेशन ए बोलती है ऑफ सेक्शन फोर्टी थ्री वन एक्सप्लेनेशन नंबर टू ये बोलती है कि अगर आपको कोई भी असेट गिफ्ट में मिलती है विल में

और आफ्टर सम टाइम क्या किया आपने उसको रीअक्वायर कर दिया वापस वापस से आपने रीअक्वायर कर दिया जो पहले तुम्हारी हुआ करती थी वो चली गई तुमसे दूर और वो वापस तुम्हारे पास लौट के आ गई तो क्वेश्चन ये आता है उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या लेंगे उसकी एक्चुअल कॉस्ट लेंगे कि जब आपने ओरिजिनल ट्रांसफर किया था उस टाइम डब्ल्यूडीवी क्या थी जब आपने ओरिजिनल ट्रांसफर किया था उस टाइम डब्ल्यू क्या थी वो लेंगे और री कॉस्ट क्या है विच एवर इज लोअर तो जब आपने ओरिजिनल ट्रांसफर किया था उस टाइम पे डब्ल्यू क्या थी और री कॉस्ट क्या है विच एवर इज लोअर है वो आपकी एक्चुअल कॉस्ट बनेगी एक्सप्लेनेशन नंबर फोर ए क्या बोलता है पता है कि अगर आप कोई असेट खरीदते हो किसी से ठीक है और उसी पर्सन को आप लीज बैक कर देते हो आप किसी से खरीदते हो और उसी पर्सन को आप लीज बैक कर देते हो तो जो सेलर का डब्ल्यू डी था ना जो रिटर्न डाउन वैल्यू वो ही आपकी एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी एक्सप्लेनेशन नंबर फाइव ये बोलती है कि अगर कोई बिल्डिंग है ये सिर्फ बिल्डिंग के लिए है। कि अगर कोई बिल्डिंग है जो बिल्डिंग पहले आपके किसी अदर पर्पज के लिए यूज होती थी जैसे मान लो फॉर एन एक्साम्पल मैंने 2010 में कोई बिल्डिंग 10 लाख में खरीदी थी 2010 में 10 लाख में खरीदी थी जो मैं किसी अदर पर्पज के लिए यूज करता था बिजनेस में यूज नहीं करता था आज मैंने उसको बिजनेस में ला लिया तो एक्चुअल कॉस्ट क्या लू तो लॉ मेकर्स बोलते हैं जितने में खरीदा था दैट इज टेन लैख और माइनस कर दीजिए आप नोशनल डेप्रिशिएशन

क्रेडिट नहीं मिलता तो एक्चुअल कॉस्ट में जोड़ेंगे अगर उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है तो उसको एक्चुअल कॉस्ट में नहीं जोड़ेंगे एक्सप्लेनेशन नंबर ये बोलती है कि कोई भी गवर्नमेंट ग्रांट है वो गवर्नमेंट ग्रांट या गवर्नमेंट सब्सिडी जो है क्वेश्चन ही आता है क्या वो एक्चुअल कॉस्ट में लाइक लेस होगी तो जो भी गवर्नमेंट ग्रांट गवर्नमेंट सब्सिडी वो सब्सिडीट से रिलेटेड होती है तो एक्चुअल कॉस्ट में से आपको क्या करनी पड़ती है लेस करनी पड़ती है अब यहां पे एक्सप्लेनेशन नंबर इलेवन अगर मान लो किसी नॉन रेजिडेंट ने क्या किया कि इंडिया के बाहर कोई असेट खरीदी थी जैसे मान लो एक बंदा है नॉन रेजिडेंट मिस्टर सेम उसने ऑस्ट्रेलिया में कोई कंप्यूटर खरीदा था पहले वो ऑस्ट्रेलिया में यूज करता था अब इस साल मान लो इंडिया में लेके आ गया तो एक्चुअल कॉस्ट क्या लेंगे जितने में उसने खरीदा था माइनस डेप्रिशिएशन करेंगे कि अगर इसको इंडिया में

आपके लिए टैक्सीबल हो जाएगी हेड में इसके दो एक्सेप्शन है पहला एक्सेप्शन तो अगर वो असेट से रिलेटेड है तो आप असेट की एक्चुअल कॉस्ट में से लेस कर दीजिए और दूसरा ध्यान रखना अगर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का ट्रस्ट है और उस ट्रस्ट को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एज अ कॉर्पस फंड कोई सब्सिडी दिया है तो वो उसके लिए टैक्सेबल नहीं होता है बाकी सब सब्सिडी और गवर्नमेंट ग्रांट है वो टैक्सेबल हो जाता है अब एक और चीज समझना बहुत बार क्या होता है कि पार्टली बिजनेस के लिए यूज होती है और पार्टली पर्सनल पर्प के लिए यूज होती है पार्टली पार्टली बिजनेस के के लिए लिए यूज यूज होती होती है होती है पर्सनल तो एक चीज ध्यान रखना उससे रिलेटेड जितने भी खर्चे है ना खर्चे का मतलब रेंट है, उसका रेंट है या रिपेयर है करके ठीक है उसके साथ साथ में इंश्योरेंस है या उसके साथ साथ में है जितने भी खर्चे है ना वो खर्चे प्रपोर्शनेटली अलाउ होंगे जितना आप बिजनेस एंड प्रोफेशन प्रोफेशन के लिए यूज कर रहे हैं मैं जितना आप पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं वो अलाउ नहीं होता और जितने आपके खर्चे अलाउ होते हैं जैसे मान लो डेप्रिशिएशन है तो डेप्रिशिएशन जितना अलाउ होता है पीएनएल के डेबिट में जाता है उतना ही आपके ब्लॉक में से लेस होगा तो ब्लॉक में से लेस मैं उतना ही करूंगा जितना डेप्रिशिएशन एक्चुअली अलाउ होता है नेक्स्ट साइंटिफिक रिसर्च सेक्शन थर्टी फाइव है आप मेरी तरफ ध्यान देंगे बोर्ड में नहीं देखेंगे इधर नहीं देखेंगे आप मेरी तरफ ध्यान देखते जाइए ठीक है तो देखिए सेक्शन थर्टी फाइव बोलती है साइंटिफिक रिसर्च के लिए अगर आप खर्चा करते हो साइंटिफिक रिसर्च क्या होता है कि अगर मान लो आप कोई भी मेडिसिन बना रहे हो वैक्सीन बना रहे हो दैट इज ऑल कॉल साइंटिफिक रिसर्च अब साइंटिफिक रिसर्च पर खर्चा करते हो तो यहां पे डिडक्शन मिलता है अब पहली चीज साइंटिफिक रिसर्च आप कब कर रहे हो एक तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस हो सकता है एक बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हो सकता है सबसे पहले हम बात करते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है कि आपका बिजनेस भी चल रहा है और आप साइंटिफिक रिसर्च भी कर रहे हो मिस बिजनेस भी कर रहे हो रिसर्च भी कर रहे हो जैसे आज रेनबैक्सी है सिप्ला है यह सब क्या कर रहे हैं इनका बिजनेस भी चल रहा है और ये रिसर्च भी करते हैं तो देखो अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर हंड्रेड परसेंट डिडक्शन और कैपिटल एक्सपेंडिचर पे लैंड को छोड़ के बाकी पे 100 परसेंट डिडक्शन मिलेगा मैंने क्या बोला लैंड को छोड़ के बाकी पे 100 परसेंट डिडक्शन मिलेगा लेकिन आप मुझे बोलेंगे सर लैंड और बिल्डिंग साथ में खरीदा तो आपको क्या करना पड़ेगा वैल्यू को बाइफरकेट करना पड़ेगा लैंड की वैल्यू पर डिडक्शन नहीं मिलेगा जो बिल्डिंग वाली वैल्यू रहेगी उस पर आपको हंड्रेड डिडक्शन मिल जाएगा तो देखो मैंने क्या बोला अगर आप रिसर्च ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हंड्रेड डिडक्शन कैपिटल एक्सपेंडिचर पर लैंड को छोड़ के बाकी पे हंड्रेड डिडक्शन आपको मिल जाएगा अब एक चीज समझना अगर रिसर्च बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आपका बिजनेस है

एक तो सैलरी का, का तो एक्सपेंडिचर तो को बिठाया होगा और हंड्रेड परसेंट डिडक्शन मिलेगा बाकी कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होंगे और एक और चीज ध्यान रखना सैलरी में बेटा परक्यूजिट का खर्चा अलाउ नहीं होगा सैलरी में परक्यूजिट का खर्चा है वो अलाउ नहीं होगा और कैपिटल में वही लैंड को छोड़ के बाकी पे आपको हंड्रेड डिडक्शन मिल जाएगा तो मैंने क्या बोला देखिए अगर आप साइंटिफिक रिसर्च पे खर्चा करते हैं पहला ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस बिजनेस भी चल रहा है आप रिसर्च कर रहे हैं अगर ये ठीक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100 परसेंट डॉन कैपिटल में लैंड को छोड़ के बाकी पे आपको 100 परसेंट डिडक्शन एक और चीज समझना अगर मान लो आपका बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है तो मैक्म थ्री इय के खर्चे वो आपको अलाउ होंगे उसमें रेवेन्यू में सैलरी और मटीरियल का खर्चा अलाउ होगा सैलरी एक्सक्लूडिंग परक्यूजेड हंड्रेड डिडक्शन मिल जाएगा सैलरी और मटीरियल पर बाकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होंगे और बेटा कैपिटल में लैंड को छोड़ के बाकी पे हंड्रेड डिडक्शन मिल जाएगा अब एक और चीज समझना एक सेक्शन हुआ करते

औचित्य है नहीं आजकल ज्यादा वैल्यू है नहीं क्यों वैल्यू नहीं है उसका रीजन मैं बताता हूं ये सेक्शन थर्टी फाइव टू क्या बोलती है बताया कि अगर कोई भी कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है और रिसर्च अप्रूवड है कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बायोटेक्नोलॉजी बिजनेस है एंड रिसर्च अप्रूवड है तो ऑल रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस है उस पर हंड्रेड डिडक्शन मिल जाएगा एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग मीनस लैंड पे तो मिलेगा ही नहीं बिल्डिंग पे इस सेक्शन में नहीं मिलेगा अब एक बात बताओ बिल्डिंग पे इस सेक्शन में नहीं मिलेगा बट सेक्शन थर्टी फाइव वन फोर में तो मिलता है तो बिल्डिंग पे आप थर्टी फाइव वन फोर में ले लेंगे और बाकी रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर पे हंड्रेड परसेंट डिडक्शन यहां ले लेंगे ये सेक्शन की अभी वैल्यू नहीं है पहले क्या हुआ करता था इस सेक्शन में वन फिफ्टी परसेंट डिडक्शन मिलता था तो पहले उसकी वैल्यू थी अब इसकी वैल्यू नहीं है आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है अब एक और चीज समझना अगर आप डोनेशन देते हैं किसी और को जैसे आपने डोनेशन दिया किसी और को मीन रिसर्च कोई और कर रहा है आप क्या कर रहे हैं सिर्फ डोनेशन दे रहे हैं कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो भी क्या आपको डिडक्शन मिलेगा आंसर इज यस किसको दिया कैसे दिया तो समझने की कोशिश करना सबसे पहले अगर आपने डोनेशन दिया टू अप्रूव्ड राहुल आईसीयू को किसको अप्रूव आईसी राहुल आईसीयू आई का मतलब होता है रिसर्च एसोसिएशन इंस्टीट्यूट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी को क्या बोला रिसर्च एसोसिएशन इंस्टीट्यूट कॉलेज यूनिवर्सिटी गौ को उसको अगर आपने डोनेशन दिया साइंटिफिक रिसर्च के लिए आपको हंड्रेड परसेंट डिडक्शन मिल जाएगा सोशल स्टेटिस्टिकल रिसर्च के लिए दिया तो भी आपको

AA में आता है और बेटा जो इंडियन कंपनी को आप देते हो उसके लिए में में आता है उस सेक्शन आपको डिडक्शन मिल जाएगा अब एक चीज समझना जिस दिन आपने दिन आपने डोनेशन दिया तो ये अप्रूव थे लेकिन आगे जाके उनकी अप्रूवल कैंसिल हो जाती है तो उस केस में भी आपको डिडक्शन मिलेगा यानी आंसर इज यस आपको डिडक्शन मिल जाएगा आपको ये देखना है कि जिस दिन डोनेशन दिया था उस दिन वो अप्रूव थे यानी आगे जाके उनकी अगर मान लो अप्रूवल विड्रॉ हो जाती है उससे भी आपको कोई मतलब नहीं है अब एक और चीज समझना यहां पे कि सर यहां पे साइंटिफिक रिसर्च के जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं ना इनको कर सकते हैं तो यहां साइंटिफिक रिसर्च कैपिटल एक्सपेंडिचर रह जाते हैं उसको अनएब्सॉर्ड्रिशिएशन की तरह ही कैरी कर कर तो फॉरवर्ड करते हैं एक और बात बताओ मुझे जब आप यहां पर डिडक्शन ले लेते हो तो क्या आपको उस पर डेप्रिशिए मिलेगा आंसर इज नो जब आप हंड्रेड परसेंट यहां डिडक्शन ले चुके हो तो कई का डेप्रिशिए नहीं मिलेगा उसके बाद अपन चलते थर्टी फाइव डी थर्टी फाइव To अब आता है कि क्या होते है? तो या तो फिजिबिलिटी स्टडी है प्रोजेक्ट रिपोर्ट है मार्केट सर्वे इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग सर्विस का अपना प्रिंटिंग या ड्राफ्टिंग कराया लीगल फीस या फिर पब्लिक इशू करते हो आपसे रिलेटेड कोई खर्चे या फिर और भी नोटिफाई करती है वो खर्चा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में आ जाएंगे एक और चीज ध्यान रखना यहां प्रिलिमिनरी एक्सपेंसिस का डिडक्शन है ना वो सिर्फ एंड सिर्फ रेजिडेंट रेजिडेंटी को मिलेगा

है? आपको फाइव इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलता है प्रीलिम

असेट में आपका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है? पार्ट का नया किया तो नए यूनिट वाले पार्ट में फिक्स असेट में आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है एज पर द बैलेंस शीट ऑफ द लास्ट डे ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर दैट इज कॉल योर कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है कि नए बिजनेस के लिए या एक्सटेंशन के लिए या नया यूनिट सेटअप करने के लिए आपने शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग नहीं आएगा रिजर्वेंट एम्प्लॉयड में नहीं लेंगे रिजर्वेंट सरप्लस है. है या सिक्योरिटी प्रीमियम है वो सब यहाँ पे नहीं आता है करके अब एक और चीज समझना जिस ईयर में आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंसिस करते हो और डिडक्शन लेते हो उस ईयर में आपको ऑडिट करानी पड़ेगी ऑडिट इज मैंडेटरी उसके बाद एक सेक्शन होती है थर्टी फाइव डीडीए डीडीए क्या बोलता है कि पहली चीज तो ये सेक्शन ऑल एससी के लिए अगर आप वीआरएस पे खर्चा करते हो वीआरएस का मतलब अगर आप एम्प्लॉय को वॉल्ट्रीली निकाल रहे होली घर पर जाकर बैठो करके ठीक तो उसके लिए देते है सैलरी में, में भी तो वीआर कंपनसेशन किसी को देते हो तो उसका डिडक्शन आपको फाइव इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिल जाएगा अब एक और चीज समझना अगर अमल डीमर्जर हो जाता है जैसे मान लो अम कमेशन डीमर्जर हो जाता है तो सर जो डीमर्जर हुआ तो उस टाइम पर जो प्रिलरी एक्सपेंसिस इंस्टॉलमेंट में मिलता है या

देखो रेवेन्यू पे तो दुनिया देती है यहां कैपिटल एक्सपेंडिचर पे 100 परसेंट डिडक्शन मिलता है बट दिस सेक्शन इज ऑप्शनल अगर आप चाहे तो इस सेक्शन को लीजिए ना चाहे तो कोई बात नहीं आप नॉर्मल डेप्रिशिएशन ले सकते हैं अब एक बात समझना यहाँ पे कौन कौन से बिजनेस कवर होते हैं तो आप कैसे याद रखें सबसे पहले आपका कोई अगर कोल्ड चेन फैसिलिटी का बिजनेस है कोल्ड चेन फैसिलिटी फॉर द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फिश प्रोडक्ट मीट प्रोडक्ट वगैरह कोल्ड चेन फैसिलिटी का बिजनेस है दूसरा अगर वेरहाउसिंग फैसिलिटी फॉर द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तीसरा पेट्रोलियम नेचुरल गैस का अगर क्रॉस कंट्री पाइपलाइन है क्रॉस कंट्री क्रॉस कंट्री का मतलब होता है अक्रॉस

या फिर आप क्या करते हैं कि आपका जो बिजनेस है दैट इज द दाउसिंग बिजनेस फॉर द सुगर सुगर स्टोरेज के लिए वेयरहाउस है या फिर आपका जो बिजनेस है दैट इज द बी कीपिंग बी हनी और बी वैक्स वाला बिजनेस आप बी कीपिंग करते हैं बी हनी और बी वैक्स का बिजनेस है या फिर आपका जो बिजनेस है दैट इज द कंटेनर डेपो कंटेनर फ्रेट स्टेशन जो कस्टम में जो कंटेनर डेपो बनाते हैं कंटेनर फ्रेट स्टेशन बनाते हैं या फिर स्लरी पाइपलाइन फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन और आयरन ओर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्लरी पाइपलाइन का बिजनेस है और सेमी कंडक्टर वेफर फेब्रिकेशन मैनुफेक्चरिंग यूनिट और न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस इन इंडिया यहां पे ये बिजनेस है अगर आप ये 14 बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस केस में आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर पर हंड्रेड परसेंट डिडक्शन मिल जाएगा कौन कौन से एक बार मैं वापस से रिवाइज करा देखो आपको ऐसा जरूरी नहीं है सीक्वेंस याद रखनी है एज वेल एज द जो मैंने डेट दे रखी है वो डेट आपको याद रहे तो ठीक है नहीं रहेगा तो भी चलेगा कौन कौन से फॉर्टिन बिजनेस है तो देखो सबसे पहली चीज आप कोल्ड चैन फैसिलिटी दूसरा वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तीसरा आपका पेट्रोलियम नेचुरल गैस पाइपलाइन हॉस्पिटल होना चाहिए हंड्रेड बेड और मोर वाला होटल टू स्टार और हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर स्लम रीडेवलपमेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर इन इंडिया बी कीपिंग बनी बी वैक्स वाला बिजनेस कंटेनर डेपो कंटेनर फ्रेट स्टेशन वेयर हाउसिंग फॉर सुगर स्लरी पाइपलाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन आर सेमी कंडक्टर फैब्रिकेशन मैनुफेक्चर यूनिट न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी आप अगर ये फोर्टीन बिजनेस में से कोई भी बिजनेस करते हो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है ना सीधा पी एंडल के डेबिट में डालो लेकिन इसमें एक कंडीशन है कंडीशन यहां पे कुछ ऐसी है कि पहली चीज तो ये बिजनेस न्यू होने चाहिए ऐसे नहीं होना चाहिए कि पुराने बिजनेस का कुछ ऐसा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर दिया स्प्लिट अप करके कर दिया ऐसा नहीं नया बिजनेस चालू करो आपको डिडक्शन मिलेगा एक और चीज समझना इन बिजनेस में जो भी आप प्लांटेड मशीनरी यूज करोगे ना वो सब नया होना चाहिए सेकंड हैंड नहीं चलेगा लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है एक तो टोटल प्लांटेड मशीनरी है उसका 20 परसेंट तक सेकंड हैंड हो सकता है जो टोटल प्लांटेड मशीनरी है उसका 20 परसेंट तक सेकंड हैंड हो सकता है और दूसरा इंडिया के बाहर से जो भी आप सेकंड हैंड प्लांटेड मशीनरी इंपोर्ट करोगे ना वो न्यू ही मानी जाएगी फॉर द पर्पज

ट्वेंटी परसेंट तक सेकंड हैंड हो सकता है और दूसरा इंडिया के बाहर से जो इंपोर्ट करोगे जिसपे कभी भी इंडिया में कोई डिडक्शन डिप्रिशिएशन नहीं लिया है वो प्लांट एंड मशीन सेकंड हैंड तो भी नया ही माना जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन अब क्वेश्चन यहाँ पे यह आता है कि सर एक बात बताओ आप बोल रहे हो यहां हंड्रेड डिडक्शन मिलता है ऑन द कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर पे मिलेगा या कुछ एक्सेप्शन है मैं बता दू ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर पे मिलेगा एक्सेप्ट थ्री तीन को छोड़ के कौन कौन से तीन छोड़ने हैं लैंड गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लैंड गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लैंड गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन तीन पे नहीं मिलेगा बाकी सबसे हंड्रेड परसेंट आपको डिडक्शन मिल जाएगा सर अगर बिजनेस इस साल चालू हुआ बिजनेस चालू होने से पहले कोई खर्चे किए तो क्या उस पर भी डिडक्शन मिल जाएगा आंसर इज यस उस पे भी मिल जाएगा उस ईयर में जिस ईयर में आप बिजनेस चालू कर रहे हैं तो जिस ईयर में आप बिजनेस कमेंस करते हैं उस ईयर में जो पहले के खर्चे उस पर भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा

करने देना है तो वो देना पड़ेगा वो कौन डिसाइड करेगा भी अब एक और बात समझना ये जो न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का तो स्टेट गवर्नमेंट गवर्नमेंट से अथॉरिटी से अप्रूव होना चाहिए और अग्रीमेंट बनकर अगर गवर्नमेंट बॉडी के साथ में अग्रीमेंट है वो अप्रूव होता है तो ही यहाँ डिडक्शन मिलता है अब एक और चीज समझना आपका स्पेसिफाइड बिजनेस में जब आप 100 परसेंट डिडक्शन ले रहे हो तो आप ही बताओ इनिशियल ईयर में लॉस होगा या गेन होगा राइट आंसर इज लॉस होगा एक चीज ध्यान रखना ये स्पेसिफाइड बिजनेस का जो लॉस है ये जो 14 14 बिजनेस बिजनेस के लॉसेस है वो सिर्फ 14 से ही सेट ऑफ कर सकते हो और किसी से नहीं कर सकते मीन स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉसेस कैन बी सेट ऑफ ऑनली अगेंस्ट द स्पेसिफाइड बिजनेस का इनकम उसके अलावा किसी और बिजनेस की इनकम से आप सेट ऑफ नहीं कर सकते स्पेसिफाइड बिजनेस लॉसेज कैन बी सेट ऑफ ऑनली अगेंस्ट स्पेसिफाइड बिजनेस का इनकम है उसी से आप सेट ऑफ

तो उस पर तो मेरे को थर्टी फाइव नहीं मिलता क्योंकि होटल के केस में यहाँ पे डेट दे रखी है दैट इज द आपका वन फोर टू या उसके बाद में चालू होना चाहिए बट मैंने एक नया होटल और चालू किया जो वन फोर टू को किया

लेकिन लेकिन मुझे ऑपरेट नहीं करना मैंने ताज ग्रुप को या ओब्रॉय ग्रुप को या ललित ग्रुप को या फिर मैंने लीला ग्रुप को होटल का ऑपरेशन ट्रांसफर कर दिया चलेगा आंसर यस मैं डिडक्शन ले सकता हूं नो प्रॉब्लम एट ऑल अब एक और चीज समझना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आती है कि इसमें स्पेसिफाइड इस बिजनेस की जो असेट होती है ना मेरे वर्ड्स पर ध्यान देना स्पेसिफाइड बिजनेस की जो असेट है जिस पे आपने 100% डिडक्शन लिया है उसको अगर आप बेचते हैं कभी भी बेचते हैं ऐसा नहीं कि अभी दो साल चार साल पांच साल दस साल फिफ्टीन ईयर ट्वेंटी हैं जितने में सेल करेंगे ना सेलिंग प्राइस विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी जितने में आप सेल करेंगे दैट सेलिंग प्राइस इज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी तो मैंने क्या बोला अगर कोई असेट है जिसपे स्पेसिफाइड बिजनेस में आपने डिडक्शन लिया उस असेट को अगर आपने

तो लॉ मेकर्स ने कंडीशन डाली कि भैया जिस ईयर में आप कोई भी असेट को एक्वायर करते हैं उस ईयर से एट ईयर तक आप किसी और नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में उस असेट को ट्रांसफर नहीं कर सकते मीन्स अगर आपने असेट स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए एक्वायर की है तो फ्रॉम द ईयर ऑफ एक्विजिशन विद इन एट ईयर यू कैन नॉट ट्रांसफर टू द एनी अदर नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस अगर आपने नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में ट्रांसफर किया तो क्या होगा पता है स्पेसिफाइड बिजनेस में जितना पहले डिडक्शन लिया था स्पेसिफाइड बिजनेस में जितना पहले आपने डिडक्शन लिया था वो डिडक्शन वापस से पीजीपीपी का इनकम बनेगा बट पूरा नहीं बनेगा जितना डिडक्शन आपने पहले लिया था माइनस कर देंगे डेप्रीशियन कितना अलाउ होता अगर आपने थर्टी फाइव तो, भाई थर्टी फाइव एडी लिया है तो डेप्रीशियन अलाउ नहीं हुआ होगा तो लोग बोलेंगे यार कोई बात नहीं आप वापस से पी, का इनकम बना रहे हो हमने मान लो साल यूज किया है उसका डेप्रीशिएशन तो दे दो तो इन्होंने बोला कोई बात नहीं डेप्रीशियन अलाउेबल कितना होता अगर आप थर्टी फाइव एडी नहीं लेते तो और जो भी बचेगा दैट विल बी योर पीजीपीपी का इनकम तो मैंने क्या बोला सबसे पहले देखिए जो ट आपने स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए एक्वायर किया यू हैव टू यूज फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस ओनली फॉर द एट ईयर फ्रॉम द ईयर ऑफ एक्विजिशन अगर आपने नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में ट्रांसफर कर दिया तो उसके होगा जितना पहले आपने डिडक्शन लिया था माइनस डेप्रीसिएशन अलाउबल इफ सेक्शन थर्टी फाइव इट इज नॉट क्लेम जो बचेगा दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी पीजीपीपी में टैक्सेबल हो जाएगा अब आपका क्वेश्चन ये आएगा कि सर एक बात बताइए जब हम नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में उस असेट को लाएंगे तो उसमें एक्चुअल कॉस्ट क्या लेंगे क्योंकि ब्लॉक में उसको जोड़ना पड़ेगा तो ब्लॉक में उसको जोड़ना पड़ेगा तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या आएगी पता है जितने में खरीदा था माइनस अगर खरीदा था तब से उसको नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए ही यूज करते तो कितना डेप्रिशिएशन लेस होता वो लेस कर दो जो भी बचेगा दैट विल बी द द एक्चुअल कॉस्ट इन नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस तो नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस के ब्लॉक में कितने से जोड़ेंगे जो एक्चुअल कॉस्ट थी माइनस जितने साल आपने स्पेसिफाइड बिजनेस में यूज किया अगर उसको नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में यूज करते तो कितना डेप्रिशिएशन लेस होता जो लेस करने के बाद जो बचेगा दैट इज कॉल योर एक्चुअल कॉस्ट अब आप बोलेंगे सर ये तो एट ईयर के लिए ही लग रहा है एट ईयर्स के बाद अगर नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में ट्रांसफर किया होता तो तो कोई बात नहीं कुछ भी वायलेशन नहीं होता और

तीसरा अगर आपने बोनस और कमीशन दिया एम्प्लॉय को एम्प्लॉय को आपने बोनस एंड कमीशन दिया है तो क्या बोनस एंड कमीशन अलाउ हो जाएगा एम्प्लॉय को दिया जो? आंसर इज यस हो जाएगा लेकिन यहां पे एक सेक्शन टांगड़ आती है और वो सेक्शन है बी बी क्या बोलती है, है कि एम्प्लॉय को जो बोनस एंड कमीशन आप दे रहे हो वो अलाउ तो होगा लेकिन इट हैज टू एक्चुअली एक्चुअली बी पेड आपको पे करना पड़ेगा अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग अदरवाइज वो अलाउ नहीं होता तो मैंने क्या बोला बोनस एंड कमीशन आप एम्प्लॉय को देते हो भले बोनस कितना भी दो ऐसा जरूरी नहीं बोनस एक्ट के हिसाब से एक सैलरी बोला तो एक सैलरी देना है दो सैलरी चार सैलरी आपके हिसाब से जितना भी चाहे बोनस दे सकते हैं लेकिन अगर आप बोनस देते हैं तो बोनस का खर्चा आपको अलाउ हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है बट भैया वो बोनस आपको एक्चुअली पे करना पड़ेगा अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक आपको एक्चुअल में पे करना पड़ेगा अदरवाइज वो अलाउ इस साल में नहीं होगा फिर वो जिस ईयर में आप पे करोगे उस ईयर में अलाउ होगा उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन अगर आपने किसी लोन पे इंटरेस्ट पे किया तो लोन देखो दो तरह का हो सकता है एक तो बिजनेस के लिए लोन है दूसरा आपका पर्सनल पर्पज वाला पर्सनल पर्पज के लिए लोन लिया तो उसका इंटरेस्ट तो बिजनेस में अलाउ नहीं होगा लेकिन अगर मान लो आपने बिजनेस एंड प्रोफेशन पर्पज के लिए कोई लोन लिया अब एक और चीज समझना अगर असेट वाला है तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि पुट टू यूज तक की डेट का इंटरेस्ट है वो कैपिटलाइज कर दो उसके बाद का इंटरेस्ट पी पीएंडल के डेबिट में डाल दो अब एक बात समझना अगर मान लो वो कोई दूसरा लोन है जो बिजनेस के लिए जैसे वर्किंग कैपिटल लोन वगैरह लेते हैं तो एक चीज ध्यान रखना अगर आपने लोन लिया है वो लोन किससे लिया है लोन अगर आपने किसी शेड्यूल बैंक से लिया है और शेड्यूल बैंक में कोऑपरेटिव बैंक भी आ आएगी लोन अगर आपने किसी शेड्यूल बैंक पीएफआई स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन या एनबीएफसी से लिया है। क्या बोला मैंने शेड्यूल बैंक से लिया है

MBFC से लिया है अब एक बात समझना जीरो का डिस्काउंट अलाउ होता है इशू होते, है जो डिस्काउंट पे होते है और पार पे होते हैं जैसे अस्सी रुपए में कोई बॉन्ड इशू और हंड्रेड रुपीज में रिडीमड हो रहा है, जीरो so, है वो खर्चा है कंपनी का तो क्या ट्वेंटी रुपीज का खर्चा कंपनी को अलाउ हो जाएगा आंसर लेकिन एक चीज ध्यान रखना ट्वेंटी रुपीज का खर्चा कंपनी को अलाउ होता है

कॉन्ट्रीब्यूट करता है के लिए आरपीएफ में वगैरह तो क्या वो अलाउ होगा या नहीं तो देखिए अगर एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूशन किया या तो याचुट्री प्रोविडेंट फंड या रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड्रूव ग्रेचुअटी सुपर एनोवेशन फंड कितने अच्छे नाम लग रहे अप्रूव रिक्नाइज तो देखिए स्टेचुट्री तो स्टेचुट्री प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए पैसा डाला किसमें स्टेचुट्री प्रोविडेंट फंड में रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में अप्रव्ड ग्रेचुअली फंड में अप्रूड सुपर एन फंड में या किसी और फंड में जो लॉ की रिक्वायरमेंट थी 100 परसेंट डिडक्शन मिल जाएगा कोई दिक्कत नहीं ये अलाउ है लेकिन यहां पर भी सेक्शन फोर्टी भी टांग आती है कि रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले एम्प्लॉयर को उसमें जमा कराना पड़ेगा तो ही डिडक्शन मिलेगा अदरवाइज नहीं मिलेगा अब एक और चीज समझना लेकिन अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड फंड्रूव फंड फंड्रूड सुपर एन्यूशन फंड में कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूशन किया या किसी और फंड में किया तो उस केस में डिडक्शन नहीं मिलता अब एक और चीज समझना अगर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करता है न्यू पेंशन स्कीम में या अटल पेंशन योजना में या सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम में जो कि अपन डिडक्शन टॉपिक में एटीसीसीडी में पढ़ते हैं अगर उस पर्टिकुलर पेंशन स्कीम में एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूशन किया तो क्या डिडक्शन मिलेगा एम्प्लॉयर को आंसर इज यस मिलेगा लेकिन यहां पे एक लिमिट है कि जितना एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूशन किया और टेन ऑफ सैलरी और सैलरी में क्या लेना है सिर्फ बेसिक सैलरी और डीए इन टर्म्स

पीएफ के का की से नहीं एम्प्लॉय का, का, का all, बोलते है को उस पैसे को जमा कराना पड़ेगा उस फंड में कब तक उस फंड की ड्यू डेट तक रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट नहीं बाबा फंड की ड्यू डेट तक जमा कराना पड़ेगा और पीएफ की ड्यू डेट क्या आती है अगले महीने की फिफ्टीन जमा कराना पड़ेगा अगले महीने की 15 तक अदरवाइज वो एम्प्लॉयर की इनकम बन जाएगी तो मैंने क्या बोला कि अगर ने का पैसा काटा PF का ईएसआई का ड्यू डेट ऑफ दैट फंड अदरवाइज वो एम्प्लॉयर की क्या बन जाएगी इनकम बन जाएगी अब एक और चीज समझना एक होता है डेट्स क्वेश्चन डेट्स अलाउ होता है yes, आपको हो जाएगा। लेकिन डेट्स दो तरीके का होता है एक तो तुम्हारा प्रोविजन फॉर डेट्स एक एक्चुअल बेड प्रोविजन फॉर डेट्स अलाउ नहीं होता प्रोविजन फॉर डेट्स अलाउ नहीं है अपने इनकम टैक्स में कोई भी प्रोविजन अलाउ नहीं है प्रोविजन फॉर डेट्स इज नॉट अलाउड लेकिन अगर एक्चुअल बेड है तो वो अलाउ हो जाएगा आंसर इज यस लेकिन डेट्स दो तरह के होते हैं एक सेल्स के रिलेटेड डेट्स एक लोन का डेट्स है तो सेल्स से रिलेटेड डेट्स है वो अलाउ होता है कभी भी लोन से रिलेटेड बेड है वो अलाउ नहीं होता लेकिन एक चीज ध्यान रखना अगर आपका बैंकिंग बिजनेस है

कि जब भी आप बेडेट्स लेते हैं तो आप डेटर्स को राइट ऑफ मानेंगे आप जो डेटर है उस डेटर को राइट ऑफ मानेंगे आप ऐसा नहीं करेंगे कि प्रोविजन फॉर बेडेट्स वगैरह नहीं ले सकते आप डेटर्स को राइट ऑफ मारेंगे अब एक बात समझना बहुत बार क्या होता है एक आईसीडीएस करके कंसेप्ट आता है जो सी फाइनल में पढ़ते हैं मेनी टाइम क्या होता है कि आईसीडीएस के हिसाब से बहुत बार आप क्या करते हैं इनकम को इंक्लूड कर देते हैं इनकम टैक्स में बट अकाउंट्स में नहीं करते तो अकाउंट्स में तो इनकम बताई नहीं बट आपने क्या किया इनकम टैक्स में इनकम को इंक्लूड कर दिया अब उसका डेट्स हो गया तो राइट ऑफ तो कैसे करें राइट ऑफ तो तब करेंगे ना जब अकाउंट्स में इनकम बताएंगे अकाउंट्स में तो आपने इनकम बता ही नहीं लेकिन इनकम टैक्स में आपने इनकम बताई तो क्वेश्चन क्या बिना राइट ऑफ किए भी हम डेट्स ले सकते हैं आंसर इज यस बिना राइट ऑफ किए भी आप डेट्स ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है अब एक और चीज समझता हूँ सर डेट्स की रिकवरी हुई तो जैसे डेट्स अब अलाउ हो गया थोड़े टाइम के बाद में किसी आगे वाले जो डेट्स हो गया बट आगे वाले पर्सन में भगवान आ गए राम आ गए और वो वापस आपको पैसे देने आ जाता है तो क्वेश्चन ये आता है कि डेट्स की जो रिकवरी होती है क्या रिकवरी टैक्सेबल होगी आंसर यस yes. जब भी डेट्स रिकवर होता है वो रिकवरी टैक्सेबल होती है ईयर ईयर में जिस में वो रिकवर होता है एक और चीज समझना भले आपका उस टाइम पे वो बिजनेस है या नहीं जैसे मान लो पहले मैं टेक्सटाइल का बिजनेस करता था इन 2008 और उससे रिलेटेड बैड डेट्स का रिकवरी हुआ इस साल में 2021 में तो भी क्या टैक्सेबल होगा आंसर इज यस तो भी टैक्सेबल होगा भले आपका वो बिजनेस है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और टैक्सेबल कितना होता है जितना रिकवरी होता है माइनस अलाउड अर्लियर एक एक्साम्पल एक एक दे रखा है उससे आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा एक और चीज समझना समझता डेट्स का रिकवरी आपके हाथ में टैक्सेबल तभी होगा जब डेट जिसने क्लेम किया था और रिकवर कर रहा है वो सेम पर्सन है अब एक चीज समझना जैसे मान लो किसी पार्टनरशिप फर्म ने बेड को क्लेम किया था और उसका पार्टनर उसको रिकवर करता है तो क्या पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल होगा ना बाबा पार्टनरशिप फर्म रिकवर करती है तो ही टैक्सेबल होगा एक होता है फैमिली प्लानिंग के खर्चे तो फैमिली प्लानिंग के जो खर्चे होते हैं उसका डिडक्शन सिर्फ कंपनी को मिलता है और किसी को नहीं मिलता ओनली कंपनीज को मिलता है और किसी को नहीं मिलता और एक चीज समझना कंपनीज को मिलता है और किसी को नहीं मिलता और फैमिली प्लानिंग में अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है हंड्रेड परसेंट डिडक्शन कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो फाइव इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिडक्शन मिल जाएगा उसके बाद सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स एंड कॉमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स अगर मान लो आप ट्रेडिंग करते हो सिक्योरिटी में आप शेयर्स खरीदने बेचने का बिजनेस है कॉमोडिटी एमसीएक्स में आप ट्रेडिंग करते हो डेरीवेटर्स वगैरह आप करते हो तो उसमें जो भी आप एस टी टी पे करते हो उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा पी एंडल के डेबिट में डाल सकते

तो क्या 37 में अलाउ हो जाएगा आंसर इज यस 37 में अलाउ हो जाएगा अगर तीन कंडीशन सेटिस्फाइड होती है पहली कंडीशन वो खर्चा आपका होल्ली एंड एक्सक्लूसिवली बिजनेस के लिए होना चाहिए वो होल्ली एंड एक्सक्लूसिवली आपका बिजनेस के लिए होना चाहिए दैट इज फर्स्ट कंडीशन दूसरी कंडीशन वो खर्चा रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए और तीसरी कंडीशन वो खर्चा लीगल होना चाहिए अगर इन खर्चे है तो वो अलाउ नहीं होते जो लीगल खर्चे है वो आपके अलाउ हो जाते हैं अब एक बात समझना यहाँ पे एक अमेंडमेंट आया है साल से कि इनलीगल एक्सपेंडिचर में क्या क्या आएगा तो यहां लॉ मेकर्स ने लिखा कि अगर कोई भी एक्सपेंडिचर ऐसा है जो कि कोई आप ऑफेंस है एंड विच इज प्रोहिबिटेड बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया में इस इंडिया के लॉ में या इंडिया के बाहर कोई लॉ है और उसमें कोई भी चीज ऑफेंस है या प्रोहिबिटेड है ऐसा आप एक्सपेंडिचर करते हो तो वो तुम्हारा इलीगल एक्सपेंडिचर हो जाएगा एज वेल एज अगर आप कोई भी ऐसा किसी को भी कोई भी बेनिफिट देते हो या परक्यूज देते हो किसी भी फॉर्म में दे रहे हो किसी भी पर्सन को दे रहे हो लेकिन वो जो पर्सन एक्सेप्ट कर रहा है उसके लिए अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है ना वो किसी ना किसी लॉ का वायोलेशन कर रहा है या किसी रूल का वायलेशन

जो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉसिबिलिटी का खर्चा है अब कंपनीज एक्ट तो बोलता है सीएसआर करिए बट मैं बता दूं इनकम टैक्स एक्ट बोलता है सीएसआर का खर्चा अलाउ नहीं होगा जो सीएसआर का खर्चा है वो सीएसआर का खर्चा आपको अलाउ नहीं होगा जो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेंडिचर है दैट इज नॉट अलाउड ये आपका बिजनेस का खर्चा नहीं है अब एक और चीज समझना सर एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया क्या अलाउ होता है आंसर इज यस एडवर्टाइजमेंट का खर्चा पी एंडल के डेबिट में डाल सकते हैं लेकिन एक चीज ध्यान रखना अगर एडवर्टाइजमेंट किसी पॉलिटिकल पार्टी के न्यूज में या पेम्पलेट में या ब्रोशर में या मैनिफेस्टो में आपने एडवर्टाइजमेंट किया है तो वो खर्चा अलाउ नहीं

नहीं है वो अलाउ नहीं होता और जो भी तुम्हारे प्रोविजन से है वगैरह है वो सब अलाउ नहीं होते हैं तो उसके बाद में ये वाला जो पॉइंट है शेयर इशू और एक्सपेंडिचर इसमें एक बात समझना अगर वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है तो वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में चला जाएगा बट वो अगर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस नहीं है और अगर मान लो आईपीओ से रिलेटेड खर्चा है और एफपीओ से रिलेटेड खर्चा है राइट right इशू का खर्चा है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है ये अलाउ नहीं होता लेकिन बायबैक का खर्चा है बोनस का खर्चा है या डिवेंचर लोन का खर्चा है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाता है आपको अलाउ हो जाता है आप बोलेंगे ये कैसे बायफर्गेशन किया तो देखो आईपीओ एफपीओ या राइट right इशू निकालते तो आपका शेयर कैपिटल ऊपर नीचे होता है मीस शेयर कैपिटल में चेंज होता है करके ठीक है शेयर कैपिटल बढ़ता है आईपीओ निकालो एफपीओ निकालो राइट right इशू निकालो शेयर कैपिटल बढ़ता है तो कैपिटल में चेंज हुआ कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होता लेकिन अगर मान लो बायबैक करते हो बायबैक के केस में आपका कैपिटल बेस सेम

अलाउ नहीं है ये इल्लीगल एक्सपेंडिचर है ये अलाउ नहीं होगा उसके बाद में आपने अगर इनकम टैक्स पे करने के लिए कुछ लोन लिया तो उसका इंटरेस्ट अलाउ होगा आंसर इस नो वो अलाउ नहीं होगा करके ठीक है उसके बाद में अगर मान लो की अलाउ होगा अलाउ हो जाएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है अब एक बात समझना एक सेक्शन फोर्टी होती है बड़ी ही इंटरेस्टिंग सेक्शन होती है और इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन एक आधा पॉइंट तो आता ही है यहां पर सेक्शन फोर्टी है तुम्हारा ए और उसका वन वो ये बोलता है इंडिया के बाहर अगर कोई नॉन रेजिडेंट है ठीक है मतलब नॉन रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है या फॉरेन कंपनी है उसको आपने कुछ पेमेंट किया या उसका अकाउंट क्रेडिट किया और जिसपे टीडीएस काटना था इफ आपने टीडीएस नहीं काटा इस प्रीवियस ईयर में यहां पे टीडीएस काटा बट आपने रिटर्न फाइलिंग की डेट तक वो टीडीएस को गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया तो आपका हंड्रेड परसेंट खर्चा डिस अलाउड हो जाएगा तो सेक्शन 40 का क्लॉज है सब क्लॉज वन क्या बोलता है कि अगर आप किसी नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी को पेमेंट करते हो या उसका अकाउंट क्रेडिट करते हो एंट्री करते हो और जिसपे टीडीएस काटना था आपने टीडीएस काटा ही नहीं इस साल में मिस इस प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर 21-22 में आपने टीडीएस नहीं काटा या फिर टीडीएस काटा बट गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तो आपका हंड्रेड खर्चा है वो डिसअलाउड हो जाएगा लेकिन यहां पर चीज समझना आप अगर किसी रेजिडेंट को पेमेंट करते हो सेक्शन सब बने क्या बोलता है किसी रेजिडेंट को पेमेंट करते हो और जिसका आपको टीडीएस काटना था आप पेमेंट करते हो या क्रेडिट कर रहे हो टीडीएस काटना था आपने टीडीएस नहीं काटा इस प्रीवियस ईयर में या काटा बट गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया फाइलिंग तो आपका थर्टी परसेंट खर्चा है वो इस साल में डिसअलाउड हो जाएगा लेकिन आप मुझे बोलेंगे कि सर मान लो हमने सब ईयर में टीडीएस काट लिया या हमने काटा तो इसी साल था बट रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के बाद में जमा कराया तो क्या वो खर्चा जो डिसअलाउड हुआ था 100 परसेंट या थर्टी परसेंट जो पीएन के डेबिट में आया नहीं था वो फ्यूचर में अलाउ हो जाएगा आंसर इज यस जिस ईयर में वो टीडीएस आप गवर्नमेंट को जमा कराओगे उस ईयर में वो अलाउ हो जाएगा जिस ईयर में वो टीडीएस आप गवर्नमेंट को जमा कराएंगे उस ईयर में वो आपको अलाउ हो जाएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है अब एक और चीज समझना एक सेक्शन जो ये मैंने आपको बताई इसका एक एक्सेप्शन एक्सेप्शन है वो क्या डिसअलाउड भूल तो हो जाएगा इस साल में हंड्रेड परसेंट या थर्टी परसेंट नॉन रेजिडेंट था हंड्रेड परसेंट रेजिडेंट है तो थर्टी परसेंट खर्चा डिसअलाउड हो गया इस बार मतलब पीएनडल के डेबिट में वो खर्चा आया ही नहीं लेकिन वो वाला बंदा है ना बड़ा ऑनेस्ट है जो पे ही है वो बड़ा ऑनेस्ट है वो एकदम ही मतलब अरविंद केजरीवाल है यानी आई डोंट नो बट एग्जांपल है 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 मान लो वो बड़ा ही ऑनेस्ट पर्सन करके ठीक उस आगे वाले ने क्या किया पता है इनकम को अपनी इनकम में जोड़ दिया उस पर जो टैक्स आता था वो गवर्नमेंट को भर दिया उसने अपना रिटर्न भी फाइल कर दिया और आप एक सीए का सर्टिफिकेट ला दे देते हो आप लोग जो पेयर था वो सीए का सर्टिफिकेट लाता है कि वो बंदा बड़ा ऑनेस्ट है उसने सब कर लिया तो तो अब खर्चा अलाउ कर दो ना तो लॉ मेकर्स बोलते हैं कोई बात नहीं जिस ईयर में वो अपना रिटर्न फाइल करेगा ना उस ईयर में आपको वो खर्चा अलाउ हो जाएगा जो आपको डिसअलाउड हुआ था हंड्रेड या थर्टी वो आपको अलाउ हो जाएगा उस ईयर में जिस ईयर में वो ऑनेस्ट पर्सन ने अपना रिटर्न फाइल किया तो देखो मैंने क्या बोला अगर आपने किसी पर्सन को कुछ भी पेमेंट किया था या क्रेडिट किया आप टीडीएस नहीं काटा बट वो बंदे ने क्या किया उस इनकम को अपनी इनकम में जोड़ दिया उस पर जो टैक्स आता था वो टैक्स भर दिया उसने अपना रिटर्न फाइल कर दिया आप एक सीए का सर्टिफिकेट ला दे देते हो इन द फॉर्म नंबर ट्वेंटी सिक्स ए करके तो उस केस में भैया आपको वो खर्चे का डिडक्शन मिल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है उस ईयर में मिलेगा जिस ईयर में वो अपना रिटर्न फाइल करेगा तो इस साल में तो आपका खर्चा डिसअलाउड होगा थर्टी परसेंट और जिस ईयर में वो अपना रिटर्न फाइल करेगा उस ईयर में आपको वो खर्चा अलाउ हो जाएगा अब एक बात समझना सेक्शन फोर्टी क्लॉज सब क्लॉज वन भी ये बोलता है कि अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग से स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग से अगर कोई भी रॉयल्टी चार्ज करती है चार्ज करती है कोई भी फीस चार्ज करती है के है करके ठीक तो वो रॉयल्टी या फीस है वो उस स्टेट गवर्नमेंट को अलाउ नहीं होगी तो मैंने क्या बोला स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को कोई फीस रॉयल्टी वगैरह पे करती है और एक्सक्लूसिवली वो उन्हीं से चार्ज किया जा रहा है तो इनको वो डिसअलाउड हो जाएगा अलाउ नहीं होगा उसके बाद एक और चीज समझना एक सेक्शन 40 क्लॉज क्लॉज है सब बोलता कि इंडिया के बाहर किसी नॉन रेजिडेंट को आप सैलरी पे करते हो या इंडिया के अंदर इंडिया के बाहर किसी को भी सैलरी पे करते हो या इंडिया के अंदर किसी नॉन रेजिडेंट को सैलरी पे करते हो और आपने अगर टीडीएस नहीं काटा या टीडीएस काटा बट टीडीएस की ड्यू डेट तक वो टीडीएस जमा नहीं करा टीडीएस की ड्यू डेट क्या रहती है पता है अगले महीने की सात तारीख नेक्स्ट मंथ सेवन तक आपने अगर वो टीडीएस जमा नहीं कराया तो उस केस में आपको वो सैलरी अलाउ नहीं होगी आपको सैलरी अलाउ नहीं है सिर्फ सैलरी के केस में क्या है कि आप अगर किसी नॉन रेजिडेंट को इंडिया में या इंडिया के बाहर किसी को भी सैलरी का पेमेंट करते हो तो आपको उसका टीडीएस काटना काट के टीडीएस की ड्यू डेट तक जमा कराना है तो ही आपको खर्चा अलाउ होगा अदरवाइज वो खर्चा अलाउ हो नहीं होगा सेक्शन क्लॉज क्लॉज सब ये बोलता है कि अगर आपका कोई नॉन मॉनिटरी परक्यूज्लॉय का और नॉन मॉनिट्री परक्यूज पे टैक्स है वो एम्प्लॉयर भर रहा है एम्प्लॉयर अपनी खुद की पॉकेट से टैक्स भर रहा है तो एम्प्लॉयर को उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि

तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं अगर कोई इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल के लिए रिलेटिव होगा स्पाउस मदर फादर ब्रदर सिस्टर लीनियल असेंडेंट एंड लीनियल डिसेंडेंट क्या बोला मैंने स्पाउस मदर फादर ब्रदर सिस्टर लीनियल असेंडेंट एंड लीनियल डिसेंडेंट करिए ठीक है अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म के रिलेटिव कौन होंगे उसके पार्टनर एंड पार्टनर के रिलेटिव कंपनी है तो कंपनी के लिए डायरेक्टर एंड डायरेक्टर के रिलेटिव एओपी बीवाई है तो मेंबर एंड उसके रिलेटिव करके ठीक है अब एक चीज समझना अगर कोई पर्सन है अगर कोई एनी पर्सन है वो एनी पर्सन हो सकता है ये एनी पर्सन है वो एनी पर्सन और दूसरा भी एनी पर्सन है ठीक है अब एक बात समझना ये एनी पर्सन एंड उसके रिलेटिव आप चाहिए तो यहां पे लिख लीजिए एंड उसके रिलेटिव करके ठीक है यहां पे भी एनी पर्सन एंड उसके रिलेटिव अब एक बात समझना ये पर्सन अगर इस दूसरे पर्सन ये पर्सन और उसके रिलेटिव मिलके किसी दूसरे पर्सन के बिजनेस में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखते हैं या ये पर्सन और इसके रिलेटिव मिलके इसके बिजनेस में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखते हैं तो ये आपस में रिलेटिव हो जाएंगे जैसे होल्डिंग होल्डिंग कंपनी 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 है है एक company, company में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखती है, तो वो आपस में रिलेटिव मान लिए जाते हैं यहां सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब होता ट्वेंटी परसेंट और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग ट्वेंटी परसेंट और मोर का पीएसआर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट जैसा अपन क्लबिंग में पढ़ते हैं एक और चीज समझना अगर कोई होल्डिंग कंपनी है और होल्डिंग की दो सब्सिडी कंपनी है तो ऑब्वियसली होल्डिंग एंड सब्सिडी कंपनी तो आपस में रिलेटिव होगी ये तो आपस में रिलेटिव होगी ये तो आपस में रिलेटिव होगी लॉ

अगर आप कैश में पेमेंट करते हैं तो आपका वो खर्चा 100% परसेंट हो जाएगा तो इन सिंगल डे सिंगल पर्सन को 10,000 से ज्यादा का आप कैश में पेमेंट नहीं कर सकते कैसे करना है अकाउंट पे चेक अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम क्या हम सर क्रॉस चेक से कर सकते नहीं कर सकते बियर चेक से कर सकते नहीं कर सकते सिर्फ आपको अकाउंट पे चेक अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड एस में प्रिस्क्राइब वही अलाउ है लेकिन एक चीज समझना अगर आप ट्रांसपोर्टर को पेमेंट करते तो ये लिमिट थर्टी की हो जाती है। Means, को आप तक सिंगल डे में कैश में कैश पेमेंट कर सकते हैं से ज़्यादा नहीं कर सकते अब एक और चीज़ समझना बहुत बार ऐसा हो सकता है ही पे ले लिया था। इस साल में मैं उसका खर्चे का पेमेंट कैश में कर देता हूं तो आप बोलोगे खर्चा अलाउ नहीं होगा अरे वो तो अलाउ दो साल पहले हो गया तो अब क्या होगा तो इस साल में वो आपकी इनकम बनेगी तो मैंने क्या बोला अगर आपने खर्चे का पहले आपने अप्रूवल बेसिस पर डिडक्शन ले लिया है और करंट ईयर में आप उसको कैश में पेमेंट करते हैं टेन थाउजेंड से ज्यादा सिंगल डे में सिंगल पर्सन को तो करंट ईयर में वो आपकी क्या बन जाएगी इनकम बन जाएगी यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस अब एक और चीज समझना यहां पे कुछ जो है वो एक्सेप्शन है जहां पे आप कैश में पेमेंट कर सकते हैं सबसे पहला अगर मान लो आप गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं बैंक को पेमेंट करते हैं एल को पेमेंट करते हैं आरबीआई को पेमेंट करते हैं इनको आप कितना भी कैश में पेमेंट कर सकते हैं दूसरा अगर आप एन एफ वगैरह है या क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड है भीम यूपीआई क्यू कोड उससे पेमेंट करते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉनिक मोड माने जाते चलेगा अब एक और चीज समझना अगर आपने किसी को बुक एंट्री से पेमेंट किया तो भी चलेगा बुक एंट्री का मतलब क्या होता है पता है मैं आपके टेन लैख मांगता हूं आप मेरे सेवन लेख मांगते हो मैं आपके टेन लेख मांगता हूं आप मेरे सेवन लाख

या फिर वो शिप पे वगैरह जा रहा है और वहां पे कोई बैंक फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो उसको आप कैश में सैलरी का पेमेंट करेंगे तो चलेगा कोई दिक्कत नहीं है आपको चलेगा अब एक और चीज समझना आप अपने किसी एजेंट को पेमेंट करते हैं और एजेंट को आगे कैश में पेमेंट करना जरूरी है आप एजेंट को पेमेंट करते हैं और एजेंट को आगे कैश में पेमेंट करना जरूरी है जैसे मेरा एक एजेंट है वो हरियाणा मान लो चावल खरीदने जा रहा है गेहूं खरीदने जा रहा है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खरीदने जा रहा है और उसको आगे किसान को कैश में पेमेंट करना पड़ेगा तो मैंने मेरे एजेंट को कैश में पेमेंट किया तो चलेगा कोई दिक्कत नहीं है एक और चीज समझना अगर मान लो जो मनी चेंजर होते हैं मनी चेंजर जो है वो उनको कैश ऑब्वियसली अगर मान लो डॉलर खरीदने तो इंडियन रुपीज कैश में पेमेंट करना पड़ेगा वो कैश में पेमेंट कर सकते हैं और एक और चीज समझना अगर आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट खरीदते हैं किसी पर्सन से जो मैनुफैक्चर कर रहा है किसी कोटेज इंडस्ट्री में विदाउट द एड ऑफ द पावर मींस हेल्प पावर की नहीं ले रहा बिना इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से कोटेज इंडस्ट्री में अगर कुछ मैन्युफैक्चर कर रहा है उसका कोई प्रोडक्ट आप खरीदते हैं कैश में चलेगा कोई दिक्कत नहीं है अब एक और चीज समझना 40th सब सेक्शन 7 ये बोलता है कि प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी आपका डिसअलाउड होगा आप इतना ध्यान रखिए प्रोविजन सब डिसअलाउड होते हैं ठीक है थीकर?

पी आरपीएफ एजीएफ एएसएफ वाला या जो नेशनल पेंशन स्कीम वाला है एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन करके ठीक है या फिर तुम्हारा कोई लोन लिया है और लोन किससे लिया है शेड्यूल बैंक से पीएफआई से या फिर आपका स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन या एनबीएफसी से लोन लिया है या लीव एनकैशमेंट कैशमेंट मीन आपने एम्प्लॉय का जो लीव सैलरी है या आपने कोई रेलवे का सेट यूज किया था और रेलवे को कुछ पेमेंट कर रहे हैं तो एक चीज ध्यान रखना ये जो सिक्स पेमेंट है ना फाइव सिक्स पेमेंट्स है ये आपको रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक करना ही पड़ेगा अगर आपने इस साल रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक कर दिया ये पेमेंट तो इस साल अलाउ होगा अदरवाइज इस साल अलाउ नहीं होगा फिर जिस ईयर में आप पेमेंट करेंगे उस ईयर में अलाउ होगा तो मैंने क्या बोला सबसे पहले आपका अगर कोई टैक्सेस ड्यूटी से एस एम टैक्सेस की बात कर रहे हैं या एम्प्लॉयर का कौन सा एसपीएफ आरपीएफ अप्रूड फंड फंड्रूड सुपर फंड न्यू पेंशन स्कीम या कोई भी फंड जो लॉ के हिसाब से है बोनस कमीशन टू एम्प्लॉय करके या फिर आपका इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम द शेड्यूल बैंक इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव बैंक कोऑपरेटिव बैंक भी शेड्यूल बैंक होती है पी आई एस एफ सी एसआईआई सी या एनबीएफ सी ए

या सप्लायर क्रेडिट पे जिससे खरीदी है वो उसने क्रेडिट दिया एक महीने दो महीने चार महीने का जो भी है क्रेडिट दिया है तो सप्लायर क्रेडिट पे या फिर फॉरेन करेंसी लोन लेके आपने इंडिया के बाहर से कोई असेट खरीदी है तो लॉ लॉमेकर बोलते हैं कि आपने खरीदते टाइम तो उस टाइम का जो फॉरेन एक्सचेंज रेट होगा उससे आपने अपने बुक्स में उसको रिकॉर्ड कर लिया होगा लॉ मेकर्स बोलते हैं जब भी आप उस फॉरेन करेंसी लोन का रीपेमेंट करते हैं या उस सप्लायर को पेमेंट करते हैं पेमेंट के टाइम पे अगर कोई फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन गेन या लॉस हुआ तो उसको आपको ब्लॉक में लेस करना पड़ेगा अगर लॉस हुआ तो ब्लॉक को बढ़ा देंगे कर ठीक है? ये PGBP, इसको पीजीबीपी में टैक्सेबल करेंगे सबसे पहले कौन सा सेक्शन फोर्टी वन वन क्या बोलता है, है? कि अगर मान लो आपने कोई डिडक्शन पहले ले लिया था पीएंडल के डेबिट में कोई खर्चा डाल दिया था

पीजीबीपी में, पीजी में टैक्सेबल हो जाएगा अब एक और चीज समझना यहां पर अगर आपका वर्किंग कैपिटल लोन का वेअव होता है बिकॉज वर्किंग कैपिटल लोन का पैसा आप रेवेन्यू खर्चों के लिए यूज करते हैं तो पी एंडल के डेबिट में खर्चे डाले होंगे और उसका अगर वेवअ हो जाता है तो वो भी आपके फोर्टी वन वन में टैक्सेबल हो जाएगा या फिर मान लो मैं परचेज किसी से किया था और परचेज किया और वो आगे वाले पर्सन को पेमेंट ही करना नहीं पड़ा मतलब इसमें बेडेट्स हो गया मजा आ गया आपने को तो क्योंकि परचेज किया था और बेडेट्स उसने डाल दिया तो अपने को फायदा हो गया तो उतना वापस से पीजीबीवी में टैक्सेबल हो जाएगा एक सेक्शन होती है फोर्टी और इससे रिलेटेड बेटा जो जनवरी या दिसंबर दिसंबर का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था

अगर नॉर्मल बिजनेस में आप ला लेते हो तो उस केस में आपको ब्लॉक में ऐड करना पड़ेगा बट ब्लॉक में कौन सी वैल्यू से ऐड करोगे निल वैल्यू से जैसा एक्सप्लेनेशन नंबर वन ऑफ सेक्शन फोर्टी थ्री वन में दे रखा था आपको निल वैल्यू से ऐड करना है अब एक और चीज समझना फिर अगर आप उसको बेचते हो तो वो तो ब्लॉक की असेट बन गई ब्लॉक को जब बेचते हैं तो वो फुल ब्लॉक ट्रांसफर पार्ट ब्लॉक ट्रांसफर उसके हिसाब से अगर कैपिटल गेन लगना है तो लग जाएगा लेकिन अगर आप लेबोरेटरी से सीधा बेच देते हो जैसे लेबोरेटरी की असट थी लेबोरेटरी रिसर्च पूरा हुआ लेबोरेटरी से सीधा आपने बेच दिया तो यहां पे एक सेक्शन होती है और क्या बोलती है कि आप अगर बिना बिजनेस में यूज किए लेबोरेटरी से सीधा ही आप बेच देते हो तो उस केस में जितने में आपने बेचा और जितना आपने थर्टी फाइव में डिडक्शन लिया था विच एवर इज लोअर है वो आपके लिए पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएगा वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा अंडर सेक्शन फोर्टी वन थ्री

प्राइस जो है जितना कॉस्ट से ज्यादा थर्टी है वो थर्टी आपका कहां जाएगा कैपिटल गेन में जाएगा उसके बाद बैलेंसिंग चार्ज और रिकवरी ऑफ है उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अब एक और चीज समझना सेक्शन डबल ए दैट इज रिलेटेड टू द मेंटेनेंस ऑफ ऑफ बुक्स सर किसको बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी है किसको बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनानी तो उसको दो पार्ट में पढ़ते हैं सबसे पहले जो प्रोफेसल्स होते हैं जिसको मैं स्पेसिफाइड प्रोफेशनल बोल सकता हूं स्पेसिफाइड प्रोफेशनल में कौन कौन से लोग आते हैं पता है या तो मेडिकल लीगल अकाउंटेंसी फिल्म आर्टिस्ट इंजीनियरिंग टेक्निक टेक्निकल कंसल्ट कंसल्टेंसी आर्किटेक्चरल इंटीरियर डेकोरेटर कंपनी सेक्रेटरी या फिर और भी कोई प्रोफेशनल नोटिफाई होता है दैट इज कॉल्ड प्रोफेशनल तो एक चीज समझना प्रोफेशनल के केस में क्या होता है कि लास्ट के थ्री इयर्स का लास्ट के थ्री इयर्स इस करंट ईयर को छोड़ दो लास्ट के थ्री इयर्स का ऑल थ्री इयर्स का मीन तीनों साल का ग्रॉस रिसिट अगर वन से ज्यादा है लास्ट के थ्री ईयर्स का ऑल थ्री इयर्स का ग्रॉस रिसिट जो है वो वन लाख फिफ्टी थाउजेंड से ज्यादा है वन लाख फिफ्टी थाउजेंड से ज्यादा है तो उस केस में इस साल उस प्रोफेशनल को स्पेसिफाइड बुक बनानी पड़ेगी और स्पेसिफाइड बुक का मतलब क्या होता है उसको कैश बुक भी बनानी पड़ेगी जर्नल बनानी लेजर बनानी पड़ेगी कार्बन कॉपी रखनी पड़ेगी बिल का जो पच्चीस रुपए से ज्यादा का है ओरिजिनल बिल, बिल रखना पड़ेगा और जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं डेली केस रजिस्टर्ड बनाना पड़ेगा और मेडिकल इन्वेंट्री भी वगैरह कितनी रखते हैं उसका भी ग्रॉस रिसिट वन लेकिन थाउजेंड से ज्यादा है लेकिन अगर मान लो आपका पहले ही साल नया प्रोफेशन है पहला ही साल है नया प्रोफेशन है पहले ही साल आपको लग रहा है कि अपना तो वन लाख फिफ्टी थाउजेंड को क्रॉस कर ही जाएगा फर्स्ट ईयर तो पहले साल से ही आप स्पेसिफाइड बुक बना दीजिए लेकिन मान लो आपके लास्ट के थ्री का वन लाख फिफ्टी थाउजेंड से ज्यादा नहीं है ग्रॉस रिसिट तो आपको नॉर्मल बुक बनानी पड़ेगी मीस कोई भी ऐसा एक रजिस्टर्ड वगैरह बना दो जिससे कि असेसिंग ऑफिसर इनकम टैक्स ऑफिसर है वो आपका असेसमेंट कंप्लीट कर पाए यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस अब एक बात समझना जो बिजनेस वाले लोग होते हैं उनको बुक बनानी है या नहीं तो उसमें दो पार्ट पहली चीज बुक बनानी है दूसरी बनाने की जरूरत नहीं देखो इसमें प्रोफेशन में तो क्या था स्पेसिफाइड बुक और एनी बुक यहां पे क्या है या तो बुक बनानी है एनी बुक या बुक बनाने की जरूरत नहीं बुक कब बनानी है और कब नहीं बनानी है, तो समझने की कोशिश करना लॉ ये बोलते हैं कि बिजनेस के, के केस में लास्ट के थ्री में लास्ट के थ्री में बिजनेस के केस में लास्ट के थ्री में किसी भी ईयर में या तो पीजीबीपी का इनकम वन से ज्यादा है पीजीबीपी का इनकम बिजनेस का इनकम वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड से ज्यादा है किसी भी ईयर में या फिर लास्ट के थ्री ईयर्स में किसी भी ईयर में आपका जो टर्नओवर ग्रॉस रिसिट है वो टेन लैख से ज्यादा है तो आपको बुक बनानी पड़ेगी अदरवाइज आपको बुक बनाने की जरूरत नहीं है

टोटल रिसिट रिसिट कोई भी हो सकती है बिजनेस की receipt, अदर कोई भी टोटल है, वो टोटल रिसिट में कैश का रिसिट टू फाइव परसेंट मिस टोटल रिसिट में कैश का रिसिट अपू फाइव परसेंट है 5 या उससे कम है एंड इस साल में जितने पेमेंट है उसमें कैश का पेमेंट है वो अपटू फाइव परसेंट है मिस टोटल रिसिट में कैश का रेसिट इज अपू फाइव परसेंट और टोटल पेमेंट में कैश का पेमेंट इज अपू फाइव परसेंट अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो आपका जो ऑडिट का लिमिट है ना वन करोड़ वो टेन करोड़ हो जाएगा टेन करोड़ से ज्यादा टर्न ओवर है तो ही ऑडिट करानी है अदरवाइज ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है लेकिन प्रोफेशन के केस केस में आपका 50 से ज्यादा का ग्रॉस है तो आपको ऑडिट करानी पड़ेगी इन ऑफ द प्रोफेशन आपका 50 से ज्यादा का ग्रॉस है तो आपको ऑडिट करानी पड़ेगी ऑडिट कौन करेगा एक चार्टेड अकाउंटेंट करेगा करके ठीक है ऑडिट है वो चार्टेड अकाउंटेंट करेगा जो प्रैक्टिसिंग चार्ट अकाउंटेंट है वो आपकी ऑडिट करता है और ऑडिट की ड्यूडेट क्या होती है पता है रिटर्न फाइलिंग की ड्यूडेट से एक महीना पहले जैसे सपोज फॉर एन एक्साम्पल आपका रिटर्न फाइलिंग का ड्यूडेट थर्टी फर्स्ट अक्टूबर है तो थर्टीए सितंबर आपकी ऑडिट की डेट रहेगी अगर आपका रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट थर्ट नवंबर है तो थर्टी अक्टूबर है वो आपकी ऑडिट की डेट रहेगी अगर आपने ऑडिट नहीं कराया तो आपको कितना पेनल्टी लगेगा पता है ऑफ जितना भी टर्न है उसका आधा टका मीस पॉइंट फाइव परसेंट और वन लाख फिफ्टी थाउजेंड विच एवर इज लोअर है उतना आपको पेनल्टी लग जाएगा यहां पर मैंने वो कैश रिसिट और उससे रिलेटेड मैंने एक एग्जाम्पल दे रखा है इस एग्जाम्पल को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा अब एक और बात समझना अब अपन पढ़ रहे प्रिजर्मटिव टैक्सेशन

बट बिजनेस में प्रोफेशन नहीं आएगा ठीक है जो फोर्टी फोर ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस होता है वो ट्रेडिंग वैसा बिजनेस और अगर आपका टर्नओवर अप टू टू करोड़ है टर्नओवर जो है तो आप ये सेक्शन को ले सकते हैं और आपका पीजीबीपी का इनकम कितना होगा पता है टर्नओवर का एट परसेंट आपको कुछ भी पीएंडल बनाना ही नहीं, नहीं खर्चे अलाउड गोज टू बाय ऑयल तेल लेने गए करके ठीक है आप एक काम करिए देखिए रेजिडेंट इंडिविजुअल पार्टनरशिप अदर देन आप बिजनेस बिजनेस करते हैं एजेंसी को छोड़ के आपका like, क्या बोलते हैं जो ट्रांसपोर्टर का बिजनेस होता है उसको छोड़ के प्रोफेशन को छोड़ के और कमीशन ब्रोकरेज का बिजनेस को छोड़ के बाकी कोई बिजनेस है और अगर आपका टर्न ओवर अप टू टू करोड़ है तो आपका पीजीबीपी का इनकम होगा टर्न ओवर का सीधा कितना परसेंट कर दो एट परसेंट लेकिन एक चीज समझना यहां एट परसेंट की जगह आप सिक्स परसेंट भी कर सकते हो आपको सिक्स परसेंट करना पड़ेगा ठीक है कब जब आपका टर्नओवर आपने रियलाइज कर दिया मिस टर्नओवर का पैसा मिल गया अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग आपकी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक पैसा मिल गया बाय अकाउंट पे ही चेक अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक्लेनिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड एज मे बी प्रिस्क्राइब मिस इलेक्ट्रॉनिक मोड से अकाउंट पे ही चेक से अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट से आपको पैसा मिल गया अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तो आप बेटा यहां 8% की जगह 6% है वो आपका पीजीबीपी का इनकम बता सकते हो

आंसर एक और एक और बात बता दूं पहले इधर समझना अगर आप एट परसेंट सिक्स परसेंट बता देते हो और आपका टर्न ओवर अपू टू, टू करोड़ है तो आपको ऑडिट ऑडिट नहीं करानी इवन वन करोड़ से ज्यादा है बट अप टू, टू करोड़ है ये सेक्शन ले रहे हो करके ठीक है तो आपको ऑडिट वगैरह कराने की जरूरत नहीं है लेकिन एक चीज समझना अगर आप सिक्स परसेंट एट परसेंट से कम बताते हो और आपका नेट टैक्सेबल इनकम है वो बेसिक एक्सामिशन से ज्यादा है मीस नेट टैक्सेबल इनकम है वो ढाई लाख से ज्यादा है बेसिक एक्जामिशन से ज्यादा है तो लॉ मेकर्स बोलते हैं आपको ऑडिट करानी पड़ेगी और उसके साथ साथ में बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी बनानी पड़ेगी तो देखो अगर आप एट परसेंट सिक्स से कम प्रॉफिट डिक्लेयर करते हैं और आपका नेट टैक्सेबल इनकम बेसिक एक्सामिशन से ज्यादा है तो आपको ऑडिट करानी पड़ेगी और बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करनी पड़ेगी अब एक और चीज समझता है यहाँ पे एक बड़ी भारी चीज है और वो चीज क्या है बताए कि एक बार अगर आपने फोर्टी फोर एडी को लिया एक बार आपने फोर्टी फोर एडी को लिया तो उसके अगले पांच साल आपको फोर्टी फोर एडी को लेना पड़ेगा मिस वंस यू हैव ऑप्टेड फोर्टी फोर एडी तो उसके अगले पांच साल तक आपको फोर्टी फोर एडी को लेना पड़ेगा अगर वो अगले पांच साल में किसी भी ईयर में आप वायलेशन कर देते हो फोर्टी फोर एडी का तो जिस में आपने किया, उस तो 44 मिलेगा ही नहीं उसके अगले पांच साल तक फिर आपको ऑडिट तो भी करानी पड़ेगी और बुक्स ऑफ अकाउंट भी बनानी पड़ेगी अब एक और चीज समझना एसा का ऐसा एक सेक्शन है प्रोफेशनल के लिए मैंने अभी आपको प्रोफेशनल की बात की थी जो भी प्रोफेशनल होते हैं और प्रोफेशन

को कुछ खर्चे अलाउ होंगे आंसर no. अलाउ नहीं, नहीं होंगे लेकिन अलाउ तो नहीं होगा बट कैलकुलेशन इज मैंडेटरी हर साल आपको डब्लू कैलकुलेट करनी पड़ेगी क्या पार्टनर को रेम्यूरेशन दिया पार्टनर को इंटरेस्ट दिया जो फोर्टी बी में अलाउ होता है क्या वो अलाउ होगा आंसर इज नो वो भी अलाउ नहीं होगा क्या आपको एडवांस टैक्स भरना पड़ेगा आंसर इज यस अगर आप ये सेक्शन लेते हैं करके ठीक है तो भी आपको एडवांस टैक्स तो भरना ही पड़ेगा लेकिन एडवांस टैक्स की एक ही इंस्टॉलमेंट आएगी दैट इज द इजीन मार्च और 15 मार्च और प्रीवियस ईयर तक आपको 100 परसेंट एडवांस टैक्स भरना पड़ेगा लास्ट सेक्शन और इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं फोर्टी फोर अगर आप ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में हो कोई भी एस हो रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट कोई भी इंडिविजुअल एच ऑफ कंपनी पार्टनरशिप फॉम एओपी हर एससी आ गया इसमें ठीक है ऑल एससी अगर आप ट्रांसपोर्टर हो मीन प्लाइंग हायरिंग के बिजनेस में हो और आपके पास में मैक्सिमम दस व्हीकल है उससे ज्यादा नहीं है मीन टेन या टेन से कम आपके पास गुड्स ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल है तो आप ये सेक्शन को ले सकते हैं और आप अपना पीजीबीपी का इनकम है वो प्रिजेंटिव बेसिस पे बता सकते हैं अब आप बोलेंगे इसमें इनकम कितना होगा दो तरह के व्हीकल होते हैं एक हैवी व्हीकल और एक तुम्हारा अदर व्हीकल देखो

मिस वन थाउजेंड रुपीज पर टन पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ आपकी इनकम बन जाएगी जैसे मान लो एक ट्रक है जिसका ग्रॉस व्हीकल वेट है वो थर्टी वन थाउजेंड थर्टी वन थाउजेंड या थर्टी वन टन है तो थर्टी वन टन है तो वन टन का वन थाउजेंड तो थर्टी वन थाउजेंड हो गया सो थर्टी वन थाउजेंड विल बी द इनकम फॉर पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ पार्ट ऑफ द मंथ का मतलब क्या होता है जैसे व्हीकल आपने मान लो 26 जुलाई को खरीदा तो जुलाई का इनकम भी आएगा आंसर इज यस आपको जुलाई का भी इनकम लेना पड़ेगा इवन आपने डेज 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 लाइक खरीदा उतने दिन पहले ही खरीदा तो भी आपको पूरे महीने का इनकम लेना पड़ेगा दैट इज फॉर पड़ेगावी व्हीकल तो हैवी व्हीकल किसको बोलेंगे जो ट्वेल्व टन से ज्यादा की कैपेसिटी का व्हीकल है मीन ग्रॉस व्हीकल वेट है वो आपका ट्वेल्व टन से ज्यादा है दैट इज हैवी व्हीकल तो हैवी व्हीकल के किस में क्या करना है वन पर टन लेना है पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ लेकिन जो अदर व्हीकल होते हैं अदर व्हीकल के केस में आपका सीधा है पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड लेना है कितने भी टन का उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर बारह टन या उससे कम का है तो उसमें आप सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड है वो पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ है वो आप इनकम बना देंगे अब एक और चीज समझना मैं बोल रहा हूं यहां वन थाउजेंड हैवी वहीकिल में वन थाउजेंड रुपीज पर टन और पार्ट ऑफ द पर टन पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ लेना है ग्रॉस व्हीकल वेट का लेकिन एक चीज समझना अगर ग्रॉस व्हीकल वेट अवेलेबल नहीं है तो आप अनल वेट लेंगे अनलड इन वेट का मतलब क्या होता है कि अगर जो खाली ट्रक का वेट होता है दैट इज कॉल अनलडेन वेट और जो ग्रॉस व्हीकल वेट का मतलब होता है जिसमें सामान और ट्रक दोनों को मिला के आपको हमेशा ग्रॉस व्हीकल वेट ही दे रखा होगा बट ग्रॉस व्हीकल वेट नहीं दे रखा है तो आप वहां पर अनलडेन वेट ले सकते हैं अब एक और चीज समझना अगर मान लो आपने कोई ट्रक खरीदा और वो ट्रक पुट टू यूज किया ही नहीं

अब एक बात समझना है और वो अपने को कोई भी देती है, तो क्या अलाउ होता, yes, होता है लेकिन पांच कंडीशन है जब वर्किंग पार्टनर को दिया जाता है अगर स्लीपिंग पार्टनर को कोई रेमुनरेशन दिया तो अलाउ नहीं होगा वर्किंग पार्टनर को रेमुनरेशन दिया तो अलाउ है स्लीपिंग पार्टनर को रेमुनरेशन दिया तो अलाउ नहीं है इंटरेस्ट किसी को भी देंगे तो चलेगा अब एक और चीज समझना रेमुनरेशन

जो भी पार्टनर का कैपिटल है एंड पार्टनर का लोन है तो पार्टनर का कैपिटल एंड पार्टनर के लोन पे 12 पर एन सिंपल इंटरेस्ट से इंटरेस्ट अलग होता है आप नाइनटी करिए और वन लाख फिफ्टी इज हायर तो बुक प्रॉफिट का नाइन परसेंट और बुक प्रॉफिट का नाइनटी परसेंट और वन लाख फिफ्टी थाउजेंड विच हायर जो बैलेंस बुक प्रॉफिट रहेगा उस परसेंट की रेट से जितना भी टोटल अलावेबल

कि आप पीजीबीपी का इनकम निकाल दीजिए पार्टनरशिप फर्म का जस्ट बिफोर रेम्यूनरेशन लेस किए बिना लेस मत करो उसके पहले आप देखिए आपका पीजीबीपी का इनकम कितना है दैट इज योर बुक प्रॉफिट और उस बुक प्रॉफिट पे थ्री लैख तक के बुक प्रॉफिट पर नाइनटी परसेंट और वन फिफ्टीज हायर और बैलेंस बुक प्रॉफिट आप आप पे परसेंट लीजिए इतना रेम्युनोरेशन आपको अलाउ हो जाएगा अब एक और चीज समझना बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आता है कि अगर कोई पार्टनर है किसी पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई पार्टनर में वर्ड्स पे ध्यान देना अगर कोई पार्टनर है किसी पार्टनरशिप फॉर्म में वो पार्टनर इंडिविजुअल कैपेसिटी पे है और उसको इंडिविजुअल कैपेसिटी पे इंटरेस्ट मिलता है तो तो उस पर फोर्टी बी का लिमिट लगेगा कि 12 इंटरेस्ट अलाउ होगा लेकिन अगर मान लो पार्टनर में इंडिविजुअल कैपेसिटी पे बट उसको जो इंटरेस्ट मिलता है वो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी पे इंटरेस्ट मिलता है मतलब किसी और, को, और के लिए इंटरेस्ट उसको दे रहे हैं किसी और को दे देना दे वैसे तो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी पे अगर उसको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है तो उस पर फोर्टी बी का लिमिट नहीं लगेगा मीन्स बारह से ज्यादा इंटरेस्ट है तो भी अलाउ हो जाएगा दूसरा कि अगर कोई पार्टनर है किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है और इंटरेस्ट मिल रहा है तो, तो इंटरेस्ट इंडिविजुअल तो नहीं लगेगा 12 परसेंट से ज्यादा इंटरेस्ट है तो भी अलाउ हो जाएगा इसको आप ऐसे याद रख सकते देखिए बारह परसेंट का इंटरेस्ट अलाउ होता है पार्टनर को इंटरेस्ट देते हैं पार्टनर के कैपिटल या पार्टनर के लोन मैक्सिमम ट्वेल्व का इंटरेस्ट अलाउ होता है लेकिन एक चीज ध्यान रखना अगर पार्टनर इंडिविजुअल कैपेसिटी पे और इंटरेस्ट भी इंडिविजुअल कैपेसिटी पे मिलता है तो ये लिमिट लगेगा या पार्टनर रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी पे और इंटरेस्ट भी रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी पे आ रहा है तो ये लिमिट लगेगा अगर पार्टनर इंडिविजुअल कैपेसिटी पे और इंटरेस्ट रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी पे आ रहा है या पार्टनर रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी पे और इंटरेस्ट इंडिविजुअल कैपेसिटी पे आता है Alter, पे पार्थ पार्थ तो उस पर फोर्टी बी का लिमिट नहीं लगेगा कितना भी इंटरेस्ट है वो अलाउ हो जाएगा बस ध्यान रखना वो रीजनेबल होना चाहिए नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू द एओपी बीवाई अब एक बात समझना ये एओपी बीवाई से रिलेटेड टैक्सेशन आप सीए फाइनल में में पढ़ते हो इंटरमीडिएट आता नहीं है बट एक सेक्शन दे रखी है इसलिए मैं बता दू सेक्शन फोर्टीबीए फोर्टीबीए क्या बोलती है कि एओपी अपने मेंबर को जो भी रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट देगा ना वो पूरा डिसअलाउड है पूरा जैसे पार्टनरशिप फर्म में तो क्या था कुछ अलाउ था वहां लिमिट थी बट अलाउ था बट एओपी बीवाई अपने मेंबर को कोई भी इंटरेस्ट देगा या रेम्यूनोरेशन देगा वो टोटली डिसअलाउड हो जाएगा यहां पे कुछ भी अलाउ नहीं होगा लेकिन एक चीज समझना यहां पे जो इंटरेस्ट दिया वही वाला फंडा चलेगा कि अगर कोई मेंबर है वो इंडिविजुअल कैपेसिटी पे मेंबर है और इंडिविजुअल कैपेसिटी पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो डिसअलाउड होगा या रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी रिप्रेजेंटेसिटी पेबर और रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो डिसअलाउड होगा अगर कोई मेंबर इंडिविजुअल कैपेसिटी पे रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी पे इंटरेस्ट मिलता है या रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी पे मेंबर है और इंडिविजुअल कैपेसिटी पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है तो यहां पे आपका पीजीबीपी टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है मैंने यहां पे अप्रोक्स दो घंटे के करीब टाइम लग गया जितना आपको मैंने रिवाइज कराया मैंने हर सेक्शन है वो रिवाइज करवाई एक भी सेक्शन छोड़ी नहीं है और जितना क्लास में पढ़ाया था ऑलमोस्ट सब चीजें है वो मैंने आपको रिवाइज करवा दी एक और चीज ध्यान रखना बिजनेस के लिए कौन सा मेथड ऑफ अकाउंटिंग आप फॉलो कर सकते हैं मैं बता दूं बिजनेस एंड आईएफओएस के लिए एक सेक्शन हुआ करती है 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 145 कर 145 करके और ये बोलती है कि आप कैश या मर्केंटाइल जो आपकी मर्जी है, वो मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर सकते हैं कैश का मतलब होता है पैसा जो आएगा उसी की अकाउंटिंग करो उसी के हिसाब से टैक्स भरो और मर्केंटाइल का मतलब होता है अक्रूवल सिस्टम तो जो आपके पास चॉइस है तो बिजनेस के केस में एज वेल एज द अदर सोर्सेज के केस में आपके पास चॉइस है आप कोई भी मेथड ऑफ अकाउंटिंग है वो आप फॉलो कर सकते हैं करके ठीक है सो so गाइस यहां पे आपका पीजीबीपी का जो रिवीजन है वो कंप्लीट होता है मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अब आपके एग्ज़ाम्स की डेट आ गई है और लाइक आप बढ़िया सीरियस हो जाओ पढ़ाई को लेके मतलब सीरियस नहीं सिंसियर थोड़ा हो जाओ पढ़ाई को लेके बाकी सब चीज़ें टाइम पास वगैरह मत करो और सिर्फ पढ़ाई करो बिकॉज लाइक मेरे को ये लगता है कि इस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए है ना पढ़ाई बहुत ज़्यादा जरूरी होती है जब मैं इंटरमीडिएट था मैं आज भी उसको लाइक फील कर सकता हूँ कि क्या फीलिंग होती है उस टाइम पर जब आप पढ़ रहे होते हैं आप किसी घर में किसी कोने में किसी रूम में बैठे हैं आपके साथ सिर्फ बुक्स है और कोई भी नहीं है घर वाले आते हैं बहुत बार तो हम घर वालों के साथ रहते भी नहीं है क्योंकि हम कहीं और रह के आप पढ़ाई करते हैं हॉस्टल में रह के पढ़ाई करते हैं बहुत सारी चीज़ें आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं जितने फेस्टिवल्स हैं वो आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं जितने इवेंट्स है जितनी मैरिज सेरेमनी कितनी हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं बट डोंट वरी अबाउट दैट इसका फल आपको मिलेगा और वो फल मिलेगा जब आप सीए बन जाओगे बड़ा अच्छा फील होता है करके जब आप C. A. बन जाते हो बिकॉज एक ऐसी डिग्री है ना जो आपको एक प्लेटफॉर्म देती है एक आपको मैं श्योरिटी दे सकता हूं कि आप बनोगे ना तो कम से कम साल भर के बाद बनने के के साल भर बाद आप मिनिमम एक लाख रुपए तो आप कमाई लोगे मिनिमम वन लाख रुपए की जो श्योरिटी है ना वो सिर्फ एक डिग्री है वो एक डिग्री दे सकती है दैट इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी और जब यहां तक आई गए हो करके ठीक है तो जस्ट क्रैक इट एंड जस्ट लाइक यू नो दैट फटाफट आप सीए बन जाओ और पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दो थोड़ा सिंसियर रहो बाकी सब नेगेटिविटी से थोड़ा दूर रहो लोगों की इधर उधर की जो गौश्यप रहती है उसमें ना रहो करके ठीक है और जो चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती है उसको आप छोड़ दो जो आपको मोटिवेट करती है उन चीजों के साथ में रहो जो आपकी पढ़ाई को हेम्पर ना करे उन चीज़ों के साथ में रहो कोई भी मतलब ऐसी कोई भी चीज आपके लिए अब प्रायोरिटी पर फर्स्ट प्रायोरिटी इज स्टडी अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको उसको हैम्पर कर रही है और आपको लग रहा है कि नहीं यार पढ़ाई नहीं हो रही इस चीज़ की वजह से करके ठीक है इवन हो सकता है आपके कोई फ्रेंड्स हो करके ठीक है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो आपके होंगे नहीं बट मान लो आपके कोई फ्रेंड्स भी हो जहां पे आपको लगता है कि नहीं यार ये डिस्टर्ब हो रहा है अपनी पढ़ाई में ठीक है यहाँ पे आपको सेल्फिश बनना पड़ेगा करके ठीक है बिकॉज आप लड़ रहे हो सब लोगों से ऑब्वियसली सब लोग जो पढ़ाई करते हैं वो पास होते हैं एंड ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे एक चीज देखा है कि भैया जो हार्डवर्क होता है ना मैंने कहीं पे पढ़ा था कि हार्डवर्क कैन बीट द टैलेंट इफ टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड अगर टैलेंट है वो हार्डवर्क करना छोड़ देगा ना तो जो हार्डवर्क है ना वो उसको बीट कर जाएगा तो आप कितने टैलेंटेड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने ट्वेल्थ में ऑल स्टेट में पूरे स्टेट में जिन्होंने टॉप किया था करके ठीक है बट वो आईपीसीसी जो इंटरमीडिएट आप पढ़ रहे हो उसमें फेल हो गए और मैंने ऐसे लोग भी देखे थे जो ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में सेकेंड डिवीजन पास हुए या थर्ड डिविजन भी पास हुए लेकिन वो सी ए इंटरमीडिएट में फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गए करके ठीक है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका बैकग्राउंड क्या था आप कितने टैलेंटेड थे कुछ फर्क नहीं पड़ता अभी आपका चाहिए मेहनत और इस मेहनत करो आराम से आप पास हो जाओगे इतना मैं आपको बोल सकता हूँ ठीक है चलो थैंक्स अलॉट पीपल दैट्स एन फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर में होप सो so आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा मेरी रिक्वेस्ट है कम से कम दस बार इसको सुनो करके ठीक है तब आपको सब चीज़ें दिमाग में बैठ जाएगी थैंस अलॉट